गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो मैथ में कुछ आप लोग बता रहे टाइपिंग एरर्स है। पेज 394 इलस्ट्रेशन 2 एक तो जो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व है इट्स रॉन्गली मेंशन इज 5,76,100। ये रिपीट हो गया ऊपर से फिगर। दिस शुड बी ₹2 लाख। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व इंस्टेड ऑफ 5,76,100 इट इज 2 लाख। बुक प्रॉफिट में ठीक है हमारा, ठीक है? नहीं चंद्र, इसमें एक और गलती है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, इसमें हमारी रॉयल्टी है 115 BBF वाली, इस पर आपको डिडक्शन मिलेगी 80 RRB की, कितनी? 3 लाख। तो ये लिखा है ना अंडर 80 IB 164,700, अंडर 80 GGB इट इज 2,500, और यहां पर ऐड करिए अंडर सेक्शन 80 RRB सो आज अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहे हैं। आई टेल यू दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अ टीचर कि उससे ज्यादा कोई स्टूडेंट मार्क्स लेके आता है वो खुशी होती है कि आप इस पोजीशन पे पहुंच गए कि आज सही लॉ इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो 3 लाख की मेरी डिडक्शन मिलेगी 80 RRB की एंड टोटल इनकम देयरफॉर बिकम्स 631,800। अब जो टैक्स निकलेगा, रॉयल्टी है कितनी? 550 की जगह कितना हो जाएगा ये? 250। एक तो इनकम चेंज किया आपने, टोटल इनकम बिकम 6,31,800 एंड दिस टैक्स इज 10.4% ऑफ 2,50,000। कितना आता है ये? एग्जैक्ट एंड व्हाट इज द टोटल टैक्स नाउ? 1,25,268। मैट क्रेडिट चेंज हो जाएगा, 1,32,366। So good that we attempted chapter 6 a first and then we came to math. Next क्या बोले थे आप? पेज बोलिए 412। ऑन पेज 412 बताइए इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 कितनी है?
पेज 412 इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 इज 20 लाख, एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट इज 30 लाख, नेट प्रॉफिट ऑफ द अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज 100 लाख, 100 लाख डिलीट कर दीजिए। और कुछ? एक मिनट पहले से कर लें। सो ये करेक्शन एक तो पेज 412 पर, क्वेश्चन 7 ठीक है मेरे हिसाब से, अपोलो टायर्स ठीक है, बिकॉज जो मनोरमा मलयालम का केस है वहां उन्होंने अपोलो टायर्स ही फॉलो किया हुआ है, कोई भी कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, एक क्वेश्चन देखिएगा 21, पेज 427 पर क्वेश्चन 21 देखिएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन इंटरनेशनल टैक्सेशन से बेस्ड है, इसके टॉप पर लिखिए डू दिस क्वेश्चन आफ्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन, डू दिस क्वेश्चन आफ्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन। बट मैट में देखते हैं, एमोल लिमिटेड Incorporated in UK has a branch office P in India. So P India में है, मैट लग जाएगा। The net profit of the branch, as per statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2022, was 95 lakh. It includes the following: dividend from Indian companies, listed, unlisted, 8 lakh, 4 lakh. लिस्टेड अनलिस्टेड का फर्क नहीं पड़ता। आगे नोट में दिया हुआ है दैट दिस डिविडेंड एज पर डीटीए इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। समझ में आ रहा है? बुक प्रॉफिट निकालते वक्त ये डिविडेंड लेस कर देंगे बिकॉज इट इज टैक्सेबल एट अ रेट लोअर देन 15%। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम MIMS लिमिटेड ऑफ मुंबई 7 लाख। The amount was received by the Indian company MMS Limited in foreign currency as per the loan agreement dated 1/4/15. एक सेक्शन 194 LC पढ़ेंगे आप फॉरेन टैक्सेशन में, जहां ये इंटरेस्ट 5% पर टैक्स होगा। सिंस 15% पे लोअर पे टैक्स हो रहा है, बुक प्रॉफिट निकालते वक्त इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे हम। एक सेक्शन पढ़ेंगे हम 44DA, ये भी इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे। रॉयल्टी FTS टैक्सेबल होती है 10% पर, लेकिन अगर पी इंडिया में है, अगर फॉरेन कंपनी की पी इंडिया में है तो 44DA लग जाता है। रॉयल्टी में से सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं और ये 40% पे टैक्स होता है। आगे क्वेश्चन में यही है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव फ्रॉम ब्राउन कंपनी लिमिटेड कोलकाता 25 लाख। द एग्रीमेंट वॉज मेड ऑन दिस डेट एंड वॉज अप्रूव द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर इनकर फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज अमाउंट्स टू 6 लाख। सिंस पी इंडिया में है, ये रॉयल्टी FTS 40% टैक्स होगी आफ्टर अलाउिंग द एक्सपेंसेस, इसे कम नहीं करेंगे हम बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। द टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इनकम एज पर डीटीए इज 10%।
मेट एप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी को सिंस पी इज इन इंडिया. टोटल इनकम एट चार्जेबल टू टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज 20 लाख विदाउट कंसिडरिंग आइटम 1 to 4 अबव. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट टैक्स अंडर 115 JB ऑफ द एक्ट फॉर असेसमेंट एट 22-23 एंड ऑल्सो द इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द असेसी. मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 95 लाख. सो बुक प्रॉफिट निकालेंगे हम 115 JB. नेट प्रॉफिट इज 95 लाख. 12 लाख डिविडेंड कम कर देंगे बिकॉज अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 21 से कि डिविडेंड अगर लोअर देन 15% टैक्स होता है तो बुक प्रॉफिट में से लेस कर देंगे. ये लेस कर देंगे 12 लाख. ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें ये 5% टैक्स होता है इसलिए इसे भी लेस कर देंगे. FTS लेस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज टैक्सेबल एट 40%. सो बुक प्रॉफिट्स में से 19 लाख लेस हो जाएगा एंड माई बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में से कम हो जाएगा एंड माई बुक प्रॉफिट 76 लाख. जो रेगुलर इनकम निकालेंगे टेक्निकल सर्विसेज में से एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे 40%, डिविडेंड इनकम 10%, इंटरेस्ट इनकम 5%. सो रेगुलर टैक्स कम्स टू 17,15,000. सिंस रेगुलर टैक्स ज्यादा है रेगुलर टैक्स लग जाएगा. क्लियर है? ओके. इंड एएस आ गया. सभी कंपनी को इंड एएस नहीं लगता. सेलेक्टेड कंपनीज हैं जिनको इंड एएस लगता है. इंड एएस में फेयर मार्केट वैल्यूएशन का कंसेप्ट होता है. चालीस लाख निकाला है हमने, 19+20 पे निकाला ना, 39 लाख पर. ठीक है, तो ठीक है. इंड एएस आ गया आपका, जिस वजह से आपको सब कुछ फेयर मार्केट वैल्यूएशन पे करना पड़ता है. अब आपने पढ़ा होगा नेट प्रॉफिट में हम लेते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स OCI ऐड करते हैं. आप जो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट लेंगे वो कौन सा लेंगे हम? बिफोर ओसीआई. सो जो नेट प्रॉफिट लेंगे आप बुक प्रॉफिट निकालने के लिए वो लेंगे बिफोर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स, उससे पहले वाला नेट प्रॉफिट लेंगे. आइएगा पेज 403, मेट एंड इंड एएस. सबसे टॉप पर लिखिए फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट्स द नेट प्रॉफिट्स शैल बी टेकन बिफोर व्हाट? बिफोर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स OCI. तो अब आप क्या करिए, जो आपने एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बुक प्रॉफिट निकाले थे ना, उसमें फर्दर आपको एडजस्टमेंट्स करनी है.
तो देखिए सोचिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है बिफोर ओसीआई, उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यूएशन की वजह से अदर कंप्रिहेंसिव इनकम बढ़ गई, ऐड करते हैं उसे हम। फॉर अ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप इन कंप्लायंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफाइड इन अनेक्स टू द कंपनीज एक्ट रूल्स, द बुक प्रॉफिट एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्लेनेशन वन टू सबसेक्शन टू शैल बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय ऑल अमाउंट्स क्रेडिटेड टू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बताइए, अगर कोई आइटम है जो बाद में जाके रिक्लासिफाई हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनको हम एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे? वो तो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, आगे जिस साल में जाएगा उस साल के बुक प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू को लॉस नहीं हो रहा। रेवेन्यू को लॉस किससे हो रहा है? ओसीआई जो आप उन आइटम्स की है विच विल नेवर बी क्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे बढ़ा देंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे दो, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सो इंक्रीज्ड बाय ऑल अमाउंट्स क्रेडिटेड टू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जो आइटम्स रिक्लासिफाई हो जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एट ए फ्यूचर डेट, उनका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके जब भी क्लासिफाई होंगे तो मेरे प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएंगे, उस साल के नेट प्रॉफिट बुक प्रॉफिट बढ़ जाएंगे मेरे। ठीक है, अभी इसके एक्सेप्शंस करेंगे, इसकी एक्सेप्शंस आएंगे। नंबर टू, अगर फेयर मार्केट वैल्यूएशन से लॉस आ रहा है और आपने ओसीआई में नेगेटिव बुक किया हुआ है तो क्या करेंगे? कोशिश करिए ना, कुछ भी नहीं है ये। अगर अंडर द हेड है आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाकर उसका मुझे डेबिट इफेक्ट मिल जाएगा। किसका डेबिट इफेक्ट लेंगे अब हम? जो क्लासिफाई नहीं होंगे आगे जाकर इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो उनको आप क्या करिए, लेस कर दीजिए लॉसेस है मेरे वाले। डिक्रीज बाय ऑल अमाउंट्स डेबिटेड टू कंप्रिहेंसिव इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अंडर द हेड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डीमर्जर करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डीमर्जर करेंगे, जहां एक मिनट, एक कंपनी है एबीबी लिमिटेड जिसने अपना पावर डिवीजन डीमर्ज किया और एक कंपनी बनी एबीबी पावर एल्स्टॉम लिमिटेड, पावर डिवीजन इसको डीमर्ज कर दिया। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कि डीमर्जर इज अ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन,
इसका टैक्स इफेक्ट न्यूट्रल होता है, इसका टैक्स इफेक्ट न्यूट्रल होता है। डी मर्जर की डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि एस हम डी मर्जर तब मानेंगे ओनली इफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड बाय एबीबी लिमिटेड डी मर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी एट द बुक वैल्यूज बट बिकॉज ऑफ इंड एस इनको ऐसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे एट द मार्केट वैल्यू, इसलिए लास्ट ईयर इन्होंने डी मर्जर की डेफिनेशन चेंज की। उसमें लिखा कि अगर इंड एस लगते हैं तो हम परमिट कर रहे हैं आपको कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू पर ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो भी हम डी मर्जर मानेंगे और डी मर्जर के टैक्स बेनिफिट जो मिलते हैं आपको मिलते रहेंगे। अब क्या है कि 50 लाख का एसेट डी मर्जर में 75 लाख पर ट्रांसफर हुआ, इसको 25 लाख का गेन आ गया, ये 25 लाख का गेन इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होता है। हम पढ़ेंगे डी मर्जर के चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में कि गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता, 47 में एग्जेम्प्ट कर देते हैं इसे। अब बताइए यहां क्या दिक्कत आ रही होगी, इस कंपनी के बुक प्रॉफिट बढ़ गए, क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्लॉज है डी, देखिए डी डी क्या है, एक मिनट सॉरी, डी है कि डी मर्जर में आपने एसेट बेचे एट, मुझे सी और डी में फर्क बताएंगे क्या है, सी में है एसेट्स ट्रांसफर्ड एट एफएमवी विच रिजल्ट्स इन लॉस, बुक वैल्यू है 100, एफएमवी है कितनी 90, 10 लाख का लॉस आ गया, उससे क्या हुआ होगा, मेरे बुक प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, इंक्रीज कर दीजिए, क्लॉज सी ये कहता है। क्लॉज डी क्या कहता है, एसेट जो ट्रांसफर हुए एट एफएमवी विच रिजल्ट्स इन प्रॉफिट, यानी बुक वैल्यू है 100, एफएमवी है 112, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे ये, और इधर क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्लियर है सीओडी, इंक्रीज्ड बाय सी, इंक्रीज बाय द अमाउंट्स और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स टू द शेयर होल्डर इन अ डी मर्जर इन अकॉर्डेंस विद अपेंडिक्स ए ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10। डी है डिक्रीज फॉर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स टू शेयर होल्डर्स
in demerger in accordance with appendix A of accounting standard 10. क्लियर है? अब ए और बी में लिखा हुआ है कि ओसीआई के जो आइटम दैट विल नेवर क्लासिफाई टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगर इनकम है तो ऐड कर देंगे हम, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट लॉ कहता है ये हम नहीं करेंगे. किस केस में नहीं करेंगे? पीपीई. पीपीई क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. बिकॉज जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिकेगा तो आपके एएस के हिसाब से एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस रियलाइजेशन में आता है. एंड देयरफॉर इट सेज प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन क्लॉज ए बी विल अप्लाई, यानी क्लॉज ए बी का एक्सेप्शन है क्या? टू द अमाउंट्स डेबिटेड क्रेडिटेड डेबिटेड टू ओसीआई अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अंडर द आइटम्स दैट विल नेवर बी क्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन एंड टू. मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसे. रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38. तो जो एसेट्स पर रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है उसको एडजस्ट नहीं करेंगे. लॉ आगे जाके क्या बोलेगा? नहीं, अगर लॉस है तो लेस कर देंगे, एड मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट पर सरप्लस आ रहा है पीपीई, तो वो कह रहे हैं उसको हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. अभी करते हैं, एग्जांपल से करते हैं, बट थ्योरेटिकली समझ लीजिए पहले. कोशिश तो करिए ना, जो मेरे एसेट्स बुक में हैं 100 लाख के, ठीक है, एफएमवी की वजह से हो गया 300 लाख के, अब 200 लाख का ओसीआई में इनकम आ गई, नेवर रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. लॉ क्या करे इसको? क्या करिए? कुछ मत करिए. ऑल द क्लॉज ए में लिखा था कि ऐड करेंगे, बट एक्सेप्शन आ गया फॉर पीपीई, इसे एडजस्ट नहीं करेंगे. इसके बाद लॉ क्या कहेगा बताइए? मैं ये एसेट अल्टीमेटली 350 का बेचता हूं, जिस साल में एसेट बिकेगा उस साल में 350 माइनस 100 बुक प्रॉफिट में ऐड करेंगे. ध्यान से देखिए क्यों कर रहे हैं ये. लेट मी टेल यू द हिस्ट्री. जब ये लॉ आया था ये प्रोविजन नहीं थी. जब ये लॉ बन के आया बिल में तब ये प्रोविजन नहीं थी. तो इन्होंने क्या किया, बजट आने के बाद अपनी सीए इंस्टीट्यूट को लिया कमिटी में, एक कमिटी बनाई मेट इंड एएस पर. गूगल करेंगे रिपोर्ट आ जाएगी उस कमिटी की, गूगल पे करेंगे कमिटी ऑन इंड एएस एंड मेट, तो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी जहां लिखा होगा इस कमिटी के मेंबर्स हैं कुछ गवर्नमेंट के बंदे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी स्टेक होल्डर है वहां से लिए हमने, और कुछ लिखा हमने सीए फर्म से बंदे लिए. बेसिकली इन्होंने बिग फोर से जो अकाउंटिंग टैक्सेशन के पार्टनर्स थे उनको लिया गया. उन्होंने बताया कि अगर जो लॉ आया था उसमें प्रोविजन नहीं थी तो उसके हिसाब से 200 लाख के बुक प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, बट कंपनी के पास पैसा आया ही नहीं अभी तक. पैसा कब आएगा? जब बेचेंगे. इसी तरह से मेरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसी तरह से मेरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं,
वहां पर भी ऐसा ही होगा, क्लॉज ए के हिसाब से 200 लाख ऐड कर देंगे बुक प्रॉफिट में, बट कमिटी के मेंबर्स ने कहा कि आप बुक प्रॉफिट बढ़ाकर हमसे टैक्स ले रहे हैं बट पैसा कहां मिला हमें, एंड देयरफॉर इन दो आइटम के लिए एक्सेप्शन डाल दी गई, किस किस के लिए, पीपी एंड इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। वहां तो हम अगर ओसीआई में गेन दिखाए आपने नहीं लेंगे, कब लेंगे, जब एक्चुअल रियलाइजेशन होगी, फिर हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू जो पहले थी एंड द सेल प्राइस। ये एक्सेप्शन टू क्लॉज ए भी आ गया, अभी देखते हैं ना, देखिए मुझे अकाउंटिंग नहीं आती वैसे, अभी देख लेते हैं, मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, मुझे टैक्स भी जताता हूं तो कराता हूं आपको। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन क्लॉज ए क्लॉज बी शैल अप्लाई टू अमाउंट क्रेडिटेड डेबिटेड टू ओसीआई अंडर द हेड आइटम्स दैट विल नेवर बी क्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पीपी की बात कर रही है, यस, इंटेंजिबल्स ऑल्सो, सो इट्स पीपी इन एन इंटेंजिबल्स, परफेक्ट। नंबर टू किसकी बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास डेट सिक्योरिटीज है, डेट सिक्योरिटीज, क्या उसका एडजस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, किसका मना कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटी का मना कर रहे हैं। गेन्स लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट एफएमवी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो यहां डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए रटिए मत प्लीज, नहीं, क्या मतलब हुआ मुझे वैसे सिंपल लैंग्वेज बताइए क्या है। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट पर गेन आ रहा है ओसीआई में ले गए तो क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट बढ़ाएंगे उससे हम, क्लियर है। प्रोवाइडेड फर्दर क्या लिखा होगा, ये जो गेन होंगे इनको हम कब बुक प्रॉफिट का पार्ट बनाएंगे, जब एक्चुअल सेल डिस्पोजल होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट और इन्वेस्टमेंट रेफर्ड इन फर्स्ट प्रोविजन इज रिटायर्ड डिस्पोज्ड रियलाइज्ड अदरवाइज ट्रांसफर्ड शैल बी इंक्रीज डिक्रीज्ड एज द केस में बी बाय द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रेफर्ड इन द फर्स्ट प्रोविजन फॉर द प्रीवियस ईयर और एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स एंड रिलेटेबल टू सच एसेट और इन्वेस्टमेंट। तो जिस साल एक्चुअल सेल होगी उस साल रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये ठीक है, बताइए ना। हाँ अगर आपने नहीं, अदरवाइज ट्रांसफर मींस विच इज अ टैक्सेबल ट्रांसफर, डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को
बुक वैल्यू है 100, एफएमवी है 250, इस पर ऐसे ट्रांसफर किया। इसको 150 का गेन हो गया, क्या करेंगे? अभी तो पढ़ा है आपने, क्लॉज सी एंड डी में पढ़ा था, गेन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 150 गेन टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम नेट प्रॉफिट ऑफ डीमर्ज कंपनी। आप बताएंगे क्या होगा? ये तो ठीक है, इसका बताइए। अब इसको जो डेप्रिसिएशन अलाउ की जाएगी मेट पर्पस के लिए, वो किस पे अलाउ की जाएगी? 100 पे की जाएगी। देखिए, जब लॉ मेकर्स 150 गेन यहां से हटा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट यहां थोड़ी दे देंगे कि इसका ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करके बुक प्रॉफिट कम कर ले अपने। सबसेक्शन 2 भी कहता है, इधर देखिए, ये तो क्लॉज सी ओ डी थी मेरे। अब सबसेक्शन 2 भी कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है ऑफ रिजल्टिंग कंपनी विल बी ऑन 100 lakh फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट्स। सबसेक्शन 2 भी पढ़िए, अगर सबसेक्शन 2 भी नहीं लाते तो रिजल्टिंग कंपनी 250 पर डेप्रिसिएशन क्लेम करती। एज्यूम डेप्रिसिएशन रेट 10% अंडर द कंपनीज एक्ट, 25 लाख मिल जाती, जबकि मिलनी चाहिए थे 10 लाख, इसके बुक प्रॉफिट कम हो जाते, लॉ मेकर्स को नुकसान हो जाता। ठीक है, जब हम डीमर्ज कंपनी के केस में 150 के गेन पे बुक प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी 150 पे मैट नहीं लगा रहे, तो इसको भी हम बेनिफिट नहीं देंगे 150 का। सबसेक्शन 2 बी पढ़िएगा, इन केस ऑफ रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ रिजल्टिंग कंपनी वेयर द प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग बीइंग रिसीव्ड बाय इट आर रिकॉर्डेड एट वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर एनी चेंज इन सच वैल्यू शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। एनालिसिस देखिएगा, नो फर्दर एडजस्टमेंट टू द नेट प्रॉफिट्स, नॉट नेट प्रॉफिट कौन से, बिफोर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ इंडियस कंप्लायंट कंपनीज अदर देन ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115 जीबी ऑफ द एक्ट विल बी मेड। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है बिफोर ओसीआई वो लेंगे, और जो हमने एडजस्टमेंट की थी 150 जी में वो सारी कर देंगे, उसके अलावा कोई नहीं करेंगे। अब
द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स सर्टेन आइटम्स दैट विल परमानेंटली बी रिकॉर्डेड इन रिजर्व्स एंड हेंस नेवर बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट. So the other comprehensive income includes certain items which will permanently be recorded in reserves and hence never be reclassified to statement of profit loss account shall be included. देखिए shall be included in computation of book profits. Shall be what add कर दीजिए. These items shall be included in book profits for MAT purposes at the point of time as specified below. Changes in revaluation surplus of property, plant equipment, PPN, intangible assets जो जस्ट नाम कह रहे थे, इसको हम किस टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे? To be included in book profits at the time of realization, disposal, retirement, otherwise transferred. Gains, losses from investments in equity instruments designated at fair value through OCI कब recognize करेंगे? हाँ, at the time of disposal only, at the time of disposal sale. इतना dumb क्यों हो रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है ना? अब जो आप पूछ रहे थे कौन सा आइटम हो सकते हैं? रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स, चाहे वो बाद में रीक्लासिफाई नहीं होंगे, हम क्या करेंगे? ओसीआई में जो फिगर है उसे बुक प्रॉफिट में एड लेस कर देंगे. अगर ओसीआई में इनकम आ रही है बुक प्रॉफिट में एड कर देंगे ऊपर, अगर लॉस आ रहा है लेस कर देंगे. So to be included in book profits every year as measurement gains losses arise and any other item to be included yearly basis as per OCI. इसके आगे देखिए appendix A of AS 10 provides that any distribution of non-cash assets to the shareholder, for example in demerger, shall be accounted at for the fair market value. Although law कहता है shareholder को ऐसे distribute हो रहे हैं, but होते किसको हैं ये? देखिए क्या होता है, ABB Limited एक कंपनी है, इसने अपना पावर डिविजन दे दिया किसको? ABB Power and Storm Limited को. डीमर्जर हो गया ये. आप बताइए कंसिडरेशन कौन किसको पे करेगा? ABB Power अपने शेयर्स इश्यू कर देगी किसको? शेयर होल्डर्स ऑफ ABB Limited. तभी मैंने डीमर्जर पर एक सेपरेट क्लास रखी है, क्योंकि डीमर्जर आपको नहीं आता प्रॉपरली, उसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली कराऊंगा. यही एक्चुअल डीमर्जर होता सबसे पहले इंडिया में. इंडिया का सबसे पहला डीमर्जर यही था, एक्चुअल नाम है ये, एक्चुअल नेम से. तो क्या होगा कि एबीबी जब पावर डिवीजन ट्रांसफर करेगी एबीबी पावर एल्स्टॉम लिमिटेड को, तो एबीबी पावर एल्स्टॉम एबीबी को कुछ नहीं देगी, जो एबीबी के शेयर होल्डर्स है ना उनको अपने शेयर इशू कर दे. तो एक तरह से लॉ कहता है क्या होगी, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन बाय एबीबी लिमिटेड टू इट्स शेयर होल्डर ऑन डीमर्जर. सो इसे हम बोलते हैं इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन बाय डीमर्ज कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑन इट्स डीमर्जर. एक तरह से नॉन कैश डिविडेंड दिया गया. आपने डिविडेंड बोला, आपको ठीक करूंगा जब हम डीम डिविडेंड करेंगे.
नहीं, इनफैक्ट डी मर्जर में ही करेंगे, इसे डी मर्जर में ही करेंगे। तो जस्ट बोल रहे थे डिविडेंड हो गया, ऐसा व्यू आ गया था डिविडेंड हो गया, बट गवर्नमेंट ने कहा कि डी मर्जर टैक्स न्यूट्रल है, इस पर हम डिविडेंड टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक, अभी हम इशू से बाहर निकल रहे हैं, लेट्स कम बैक टू द इशू। अपेंडिक्स ए एएस 10 प्रोवाइड्स दैट एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स टू शेयर होल्डर्स फॉर एग्जाम्पल इन अ डी मर्जर शैल बी अकाउंटेड फॉर द एट द फेयर मार्केट वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द एफएमवी रिकॉर्डेड इन द इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉरेस्पॉन्डिंगली द रिजर्व्स आर डेबिटेड एट फेयर वैल्यू टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन एज डीम्ड बिटवीन द शेयर होल्डर्स एज देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट इन द रिटेन अर्निंग दिस डिफरेंस अराइजिंग ऑन डी मर्जर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बुक प्रॉफिट्स। हाउएवर In case of resulting company where the property liabilities of the undertaking have been received, recorded at values different from the values as appearing in the books of the demerged company, then any change in value will be ignored or depreciation हम compute करेंगे। हमारे example में 100 का asset 250 पे transfer किया गया, 100 पे ही compute करेंगे। जब पहली बार आपने Ind AS अडॉप्ट किया होगा तो जो मेरा प्रीवियस ईयर है सपोज मैंने इंड एएस 31 मार्च 19 को अडॉप्ट किया, अब क्या होगा 1/4/18 को बताइए वो भी वैल्यूज चेंज करनी पड़ जाएंगी या नहीं? चेंज करनी पड़ेगी। और 1/4/18 को जो वैल्यूज चेंज करते हैं उसका डिफरेंस कहां जाता है? ट्रांजिशन अमाउंट। ये ट्रांजिशन अमाउंट होता है, ट्रांजिशन अमाउंट अलग से बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आरएस में नहीं, इंडियस कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, जितना मैं करा रहा हूं वो तो समझ में आ रहा है ना। आपको बताऊं जब ये आया था ना कंसेप्ट, सब मेरे सिर के ऊपर से निकल गया था। तो वन ऑफ द बिग फोर्स के पार्टनर हैं, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, बट ही इज डीलिंग इन ऑल दिस एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट कमिटी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की समझे, मतलब सर मतलब समझा दो मुझे, तो ही केम टू मी टू एक्सप्लेन ऑल दिस। तो जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं ने जो बताया था, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकली इंडेक्स का काम नहीं है मेरे पास भी, तो सब बड़ी बड़ी फॉर्म्स के पास होते हैं। सो मेरा पहला अकाउंटिंग ईयर ये था जब मैंने इंड एस अडॉप्ट किया, तो मैंने ओपनिंग जो फर्स्ट अप्रैल था उसको भी उस दिन भी मैंने एसेट्स को रीस्टेट किया होगा, ट्रांजिशन डिफरेंस आ गया होगा, दैट इज ट्रांसफर टू, नहीं नहीं वो तो ट्रांजिशन रिजर्व अकाउंट में रखते हैं फर्स्ट अप्रैल वाला। और मैट में क्या किया जाएगा मैंने इसमें दिया नहीं, अब लिखवा रहा हूं आपको, मैट में क्या किया जाएगा, ये ट्रांजिशन अमाउंट 1/5 1/5 हर साल एडलेस किया जाएगा। जो ट्रांजिशन अमाउंट में ट्रांजिशन रिजर्व में पैसा है उसे हर साल 1/5 1/5 अगले 5 साल में एडजस्ट किया जाएगा। नोट दीजिए, नहीं नहीं जब मैं नॉर्मल प्रोविजंस में इनकम बनाऊंगा फिर तो मैं इंडेक्स भूल ही जाता हूं, वहां तो आप एज पर इनकम टैक्स एडजस्टमेंट करते सारी। यहां दिक्कत क्या आती है, यहां लॉ कहता है टेक द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट,
यहां दिक्कत आ रही है। नोट, व्हेन कंपनी अडॉप्ट्स इंड एस फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांजिशन डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट इन द बैलेंस शीट। बिकॉज इन द फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट ईयर। इससे मेरे से अदर इक्विटी में रखते हैं ना, क्या बोलते हैं सर, अदर इक्विटी बोलते हैं ना, इसे स्टेटमेंट ऑफ अदर इक्विटी में रखा जाता है। दिस अमाउंट शैल बी एक मिनट एडेड, एड कब करेंगे, अगर सरप्लस आ रहा है, रिड्यूस फ्रॉम बुक प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 1/5 of amount every year, ठीक। इसे नोट वन कर दीजिए, नोट टू, फ्रॉम द ट्रांजिशन अमाउंट। देखिए मैंने ये सब कुछ एक्ट में लिखा हुआ मैंने लिया नहीं, क्योंकि वहां लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, वहां लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। जब कुछ टाइप चीज जाती है तो रीडर टाइप चीज को ही देखता है, तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा था तो उसमें इश्यूज आ रहे थे। जैसे यहां तो मैंने समझा दिया 1/5 ऑफ दिस एवरी ईयर मिलेगा आपको, तो वहां लिखने में दिक्कत आ रही थी मुझे, इसलिए आई थॉट इट प्रॉपर की क्लास में लिखवा दूंगा आपको। फ्रॉम द ट्रांजिशन अमाउंट एनी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एक मिनट इसे वन करिए, वन, एनी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई
और थ्री बताइए कौन सा, अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स सो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन अमाउंट क्लॉज वन एनी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नंबर टू अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी थ्री अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या करेंगे कोशिश तो करिए ना जब मैंने 31 मार्च 19 को ट्रांजिशन लिया तो 1/4/19 को मैंने एसेट्स को रीइंस्टेट किया होगा यहां इक्विटी भी हो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी हो गए होंगे उनका डिफरेंस ट्रांजिशन अमाउंट में आ गया होगा हटा देंगे उसे सो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन अमाउंट एनी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स शैल बी एक्सक्लूडेड इफ दीज अमाउंट्स आर इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन अमाउंट करेक्ट मुझे मालूम है कि कुछ डेट को भी इक्विटी मान लेते हैं बट दैट्स मतलब यू हैव टू फॉलो द मतलब जो इक्विटी वहां पर कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं करेक्ट वहां तो मेरे ख्याल से प्रेफरेंस शेयर्स को भी डेट मान लेते हैं वहां पर सो लेट्स नॉट गोइंग टू ऑल दोस इंट्रिकेसेस दोस अकाउंटिंग इंट्रिकेसेस अब हम क्विकली जो हमने एक घंटे में किया 5 मिनट में रिवाइज करिए स्टार्ट करिए शुरू से चलिए मेट एंड इंड एस नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे बिफोर ओसीआई जो हमने एक्सप्लेनेशन टू 115 जीबी में एडजस्टमेंट्स की थी वो सारी कर देंगे अनसर्टेन लायबिलिटीज इनकम टैक्स डेबिटेड वगैरह सब एड बैक लेस पे कर देंगे उसके बाद जो ओसीआई में इनकम है जो रीक्लासिफाई हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेटर ऑन कुछ नहीं करेंगे उसका वो तो आगे जब रीक्लासिफाई होगी बुक प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगी गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा बट वो इनकम जो आगे जाके कभी जो ओसीआई में है जो आगे जाके कभी भी रीक्लासिफाई नहीं होंगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसका क्या करेंगे एड कर देंगे और कोई लॉस आ रहा है ओसीआई में जो आगे जाके रीक्लासिफाई हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ मत करिए अगर रीक्लासिफाई नहीं होगा लेस कर दीजिए बट इसके एक्सेप्शंस हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स यहां पर हम ओसीआई में दिया हुआ है ऐड नहीं करेंगे हम ऐड कब करेंगे जब एसेट सेल होगा डिस्पोज ऑफ होगा दूसरा क्या है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अगर ओसीआई में दिया भी है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे लॉस को इग्नोर कर देंगे प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे जिस साल एक्चुअल सेल होगी उस साल करेंगे अब आ जाइए आप डीमर्जर पर डीमर्जर में जब एसेट बांटे जाते हैं शेयर होल्डर को ऑल दो एसेट ट्रांसफर होते हैं रिजल्टिंग कंपनी को बट लॉ बोलता है बांटे जा रहे हैं तो
शेयर होल्डर्स, तो जो सरप्लस हुआ डीमर्ज कंपनी को, उस गेन को हम बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं मानेंगे, लॉस होगा लॉस हटा देंगे, एडबैक कर देंगे, और इधर रिजल्टिंग कंपनी को जो एसेट मिलेंगे उसकी कॉस्ट वही लेंगे जो बुक वैल्यू थे इन द हैंड्स ऑफ डीमर्ज कंपनी। यही था हमारा, डेप्रिसिएशन अब रिजल्टिंग कंपनी क्लेम करेगी ऑन द इन अवर एग्जाम्पल 100 लाख का एसेट 250 में ट्रांसफर किया था, 100 पे क्लेम करेगी। जिस साल कंपनी इन एस अडॉप्ट करती है उस साल 1 अप्रैल को वैल्यूज चेंज होंगी, वो सारा पैसा चला जाएगा ट्रांजिशन अमाउंट में। 5 साल इसे एक तरह से अमोर्टाइज करेंगे, अमोर्टाइज मतलब बुक प्रॉफिट्स में हर साल 1/5 ऐड कर देंगे, बट इस ट्रांजिशन अमाउंट में क्या हटा देंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, जो पीपी का रिवेल्यूशन हुआ उसकी वजह से, और जो इक्विटी का रिवेल्यूशन हुआ उसकी वजह से डिफरेंस है वो हटा देंगे। क्लियर? आइएगा पेज 431 पर, क्वेश्चन 23-24 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंड एएस पे बेस्ड है ये। जेनिथ फॉर्मुलेशंस लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन फार्मा फॉर्मुलेशंस इन तमिलनाडु स्टार्टेड अडॉप्शन ऑफ इंड एएस कंप्लायंस with effect from 1st April 2019. The following particulars are furnished for the year ended 31st March 2022. The book profits after adjustment of all items specified in 115 JB 2 amounted to 52.26 lakhs, except the adjustment of for brought forward losses. So book profits 52.26 ke diye hue hain aapko, और इसमें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कम नहीं किए गए। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऐसे बुक्स आर एज अंडर, ये लॉसेस है, ये डेप्रिसिएशन है, टोटल कर देंगे इसका 5.635 और 7.1, जो भी लोअर है वो कम हो जाएगा, 6.35 कम हो जाएगा, 0.3 पड़ेगा। द बिजनेस लॉस ऑफ 4.60 लैक्स एंड 1.75 लैक्स हैव बीन डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट्स अंडर 115 JB फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2021-22 रिस्पेक्टिवली। ये लॉसेस तो हम यूज कर चुके हैं जब बुक प्रॉफिट निकाले गए थे 2021 और 2021-22 के, देयरफॉर दोबारा से हम कम नहीं कर सकते। बट 0.6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.6, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पेज 432, चेन्नई बेंच हैज एडमिटेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मेड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट द कंपनी फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो क्या होगा, अमेंडमेंट थी, जहां आप कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में आ गए हैं वहां लॉस डेप्रिसिएशन दोनों कम हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली ये तो लॉस हम यूज कर चुके हैं, 7.10 का डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा वेल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट्स। द परप्लस ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 आर एज अंडर, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, रिक्लासिफाई हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में।
other comprehensive income, OCI, that will not be reclassified to profit and loss account. Iska adjustment karenge, lekin kya nahi karenge? Ek to changes in fair value of equity instruments, ye nahi karenge adjust. Aur revaluation surplus for assets, ye adjust nahi karenge. Deferred gains on cash flow hedges, add kar denge. Deferred cost of hedging, less kar denge. Share of other comprehensive income of other associates, add kar denge. Remeasurement of post employment benefit, add kar denge. Jo transition amount hota hai, jab aapne Ind AS adopt kiye, wo 5 equal installments mein adjust kiya jata hai. Usme capital reserve include nahi karte और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस इंक्लूड नहीं करते. कैपिटल रिजर्व इसलिए इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दैट रिलेट्स टू कैपिटल एसेट. द ट्रांजिशन अमाउंट एज ऑन द कन्वर्जेंस डेट 1/4/19 स्टूड एट 52.50 lakhs क्रेडिट बैलेंस इंक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व 8 lakh, ये लाइस कर देंगे. एडजस्टमेंट ऑफ 4.5 lakh रिलेटिंग टू ट्रांसलेशन डिफरेंस इन फॉरेन ऑपरेशंस. So 52.5 में से माइनस कर देंगे 12.5, 40 डिवाइड बाय 5, 8 लेकर एडजस्ट करेंगे. तो देखिए मेरा नेट प्रॉफिट है कितना, 52.26 lakhs. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन, मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, लॉसेस तो हम यूज कर चुके हैं. सिंस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में बोथ लॉसेस डेप्रिसिएशन लेस हो जाएंगे, बट लॉसेस यूज हो चुके हैं, देयरफॉर 7.10 का डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा. आइटम डेट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऐड कर देंगे 725, 320 and 445. एसेट्स का रिवोल्यूशन एडजस्ट नहीं करते, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट नहीं करते हम. आइटम्स डेबिटेड टू ओसीआई दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 410 लेस कर देंगे. जो मेरा ट्रांजिशन बैलेंस था जब मैंने इन एस में कन्वर्ट किया था, यूज करने शुरू किए थे, अडॉप्ट किए थे, उसमें से कैपिटलिज्म लेस कर देंगे. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कम कर देंगे 40 लाख, इसका 1/5 ऐड कर देंगे. अकॉर्डिंगली यू गेट द बुक प्रॉफिट्स. तो देखिए पूरे इंड एस की एप्लीकेशन यहां पर आ गई. 15% टैक्स निकाल लिया और आपको दिया हुआ है कि नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है. Accordingly, you can compute the tax credit, MAT credit. Clear है? ये क्वेश्चन और करते हैं. Question 24, page 434. Alpha and Beta Tires Limited, an Indian company engaged in manufacture of tires in Andhra Pradesh, has adopted Ind AS from 1/4/19. The following particulars are given to you for the year ended 31st March 22. Net profit 20 lakhs ka hai. After debit credit of the following items, depreciation 18 crores. Included in depreciation is 3 crores being amount of depreciation on revalued assets. Kya karenge? 18 करोड़ ऐड कर दीजिए, 15 करोड़ माइनस कर दीजिए. इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ TDS 20 लाख, हमने क्लॉज ए में किया था इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एडबैक करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट एडबैक हो जाएगा. शेयर इनकम फ्रॉम AOP इन विच द कंपनी इज अ मेंबर 50 लाख, ये अमेंडमेंट पढ़ी थी आपने,
शेयर फ्रॉम एओपी जो एग्जेम्प्ट होता है 86 में उसे लेस कर देंगे हम. अमाउंट ऑफ 6 क्रोर्स विदड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूशन रिजर्व ऑन अकाउंट ऑफ रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स कितना कम करेंगे 3 करोड़, बिकॉज जितना रिवेल्यूशन हुआ है उतना ही पैसा रिवेल्यूशन रिजर्व से लाते हैं तो वो एडबैक करते हैं, लेस करते हैं, सॉरी. सो 3 करोड़ लेस कर देंगे. द एप्लीकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हैज बीन एडमिटेड बाय द हैदराबाद ब्रांच कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. तो लॉस डेप्रिसिएशन सारे कम हो जाएंगे, 3, 5, 8, 9, 2, 11. आइटम्स क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिटेड है. रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एड कर देंगे. रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इग्नोर करेंगे इसे. ट्रांजिशन अमाउंट है 5 करोड़ इंक्लूडिंग कैपिटल ऑफ 50 लाख, 4.50 डिवाइडेड बाय 5, 90 लाख. टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजन इज 0.73 करोड़. अब मैंने मैट निकाला, नेट प्रॉफिट 20 लाख, डेप्रिसिएशन 18 लाख ऐड करके 15 लेस कर दीजिए, ये 15 लेस कर दी. इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एड बैक हो जाएगा. शेयर फ्रॉम एओपी लेस हो जाएगा. अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूशन रिजर्व लेस करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ रिवेल्यूशन डेप्रिसिएशन. ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस डेप्रिसिएशन दोनों कम हो जाएंगे, 3, 5, 8, 3, 11. ग्यारह करोड़, ठीक है. ओसीआई में जो रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स है वो ऐड हो जाएगा, पीपी ऐड नहीं होगा. वन फिफ्थ ऑफ ट्रांजिशन अमाउंट लेस कैपिटल रिजर्व ऐड कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली यू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट. इस पे 15% टैक्स निकाल लीजिए, मेट लाइबिलिटी निकल गई. कंपेयर विद द नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी. आई होप इंडिया इज क्लियर टू यू. सो मेट लगभग आपका पूरा हो गया है. एक पेज 405 पर, फाइनेंस एक्ट 21 से एक अमेंडमेंट आई है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी. जब ट्रांसफर प्राइसिंग कर लेंगे, जब ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तब वहां ये करा दूंगा. अब आते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट पर. फॉरेन टैक्स क्रेडिट करा नहीं पाऊंगा आपको, बट जो इशू है वो रटवा देता हूं आपको, इशू रटवा देता हूं. अभी करेंगे बहुत तकलीफ होगी. चलिए एक मिनट देखते हैं. जीडी तो हमने किया ही नहीं अभी, ये एएमटी पर है. एएमटी जो नेक्स्ट क्लास में या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. 115 जेएए किया था अपने मैट क्रेडिट, उसमें लिखा था कि जहां 115 जेबी में टैक्स पे करते हैं तो आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा. और सबसेक्शन 2 में लिखा था क्रेडिट कितना मिलेगा आपको, जो मैट की वजह से टैक्स दिया माइनस जो नॉर्मल टैक्स बनता था. यहां दिक्कत आई. मैट की वजह से टैक्स बन रहा है मेरा 500 और नॉर्मल टैक्स बन रहा है मेरा 200.
मॉड्यूल से करा रहा हूँ, मॉड्यूल में लिखा हुआ है। मैथ में मेरा टैक्स बन रहा है 500 और नॉर्मल टैक्स बन रहा है 200। मेरा कुछ फॉरेन कंट्री में टैक्स डिडक्ट हुआ था, ठीक है, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाता है। यहां भी मिल जाता है क्रेडिट, यहां भी मिल जाता है मुझे। कैसे मिलता है वो हम पढ़ेंगे जब ये चैप्टर करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट करेंगे तो इसका एक रूल है 128, वहां ये बातें सीखेंगे। बट अभी मान लीजिए आप कि गवर्नमेंट के हिसाब से आपको इसमें से क्रेडिट मिल जाता है जो फॉरेन टैक्स दिया आपने, एफटीसी बोलते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, यहां 200 का मिल गया, यहां 260 का मिल गया और यहां 200 का मिल गया, ये भी वेरी करता है। मैंने कहा छोड़ दीजिए, एफटीसी कैसे निकालते हैं दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जब हम एफटीसी करने बैठेंगे ना बड़ी इशू उठेंगे। यूएस में टैक्स कटा था, यूएस से सर्टिफिकेट डॉलर्स में आएगा, उसे इंडियन रुपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस दिन कन्वर्ट करेंगे, क्या लेंगे टीटीबीआर टीटीएसआर, ये सब बातें मैंने कहा कराऊंगा आपको। और ये सब बातें ग्रेट डिटेल्स में करते हैं हम चैप्टर पेपर 6C में। पेपर 7 के लिए तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करा दूंगा कि वर्किंग नॉलेज हो जाए, बट पेपर 6C में बहुत डिटेलिंग करते हैं, इसकी आधा लेक्चर लगा देते हैं इस पर, एफटीसी पर। अब एफटीसी फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल गया आपको, ये अब देखिए क्या हो रहा है। यहां जो टैक्स बना 240 बना, यहां निल बना, यानी मैट क्रेडिट कितना मिलना चाहिए था आपको 240, बट कितना मिल गया आपको 300 मिल गया। सरकार को डबल नुकसान है, कि एफटीसी तो देना बनता ही हमें, हमने दे दिया, बट उससे आपका मैट क्रेडिट बढ़ गया, बिकॉज लॉ तो इसकी बात कर रहा है। लॉ तो कहता है जो नॉर्मल टैक्स निकाला उसे कंपेयर के दे द मैट टैक्स डिफरेंस इज द मैट क्रेडिट। नौ दे से जो मैट क्रेडिट लेंगे आप, इस डिफरेंस को भी एडजस्ट करेंगे। तो पेज 437 पे हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा था मैट क्रेडिट मिलेगा क्या, जो आपने 115JB में टैक्स निकाला माइनस जो नॉर्मल टैक्स बनता है, प्रोवाइडेड That where the amount of tax credit in respect of any income tax paid in foreign country under 90-90-91 are allowable against the tax payable under 115JB and that exceeds the amount of tax credit admissible on the normal tax. तो क्या करेंगे हम, जो excess credit है उसे मैट credit निकालते वक्त, मतलब उतने एक्सटेंड तक मैट क्रेडिट इग्नोर कर देंगे। अभी दिमाग नहीं लगाते, ये मैंने चैप्टर लिया हुआ है मॉड्यूल 5 में भी। अब मोटी मोटी बात रट लेते हैं। पेज 439 ये मेरा टैक्स है बिफोर एफटीसी। अगर अमेंडमेंट नहीं आती तो मैट क्रेडिट 300 मिल जाता, बट एफटीसी मुझे यहां 200 मिल रहा है या 260 मिल रहा है। तो अब लॉ कहेगा कि एफटीसी के बाद का टैक्स ले लीजिए, यहां कितना हो गया निल और यहां कितना हो गया 240, देखो क्रेडिट विल बी हाउ मच 240। इन अदर वर्ड्स, जो मैट क्रेडिट निकाला आपने वहां पर भी जो एफटीसी में डिफरेंस आ रहा क्रेडिट का वो भी लेस करिए। क्लियर, रट लीजिए अभी से। सो मैं चाहूं तो एएमटी आज ही कंप्लीट कर सकता हूं,
बट मैं आपको ब्रीदिंग टाइम दे रहा हूं ताकि मैट का चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो मैं आज एक ऐसा चैप्टर करा रहा हूं जहां आपको घर जाके इस चैप्टर में होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ऑल दो मेरे लिए बड़ा आसान है अभी एएमटी करना क्योंकि मैट आपके दिमाग में फ्रेश है, बट मैं नहीं चाहता कंसेप्ट कहीं भी मिक्स हूं। मैं चाहता हूं कि मैट की आप पूरी प्रैक्टिस कर लें अगले दो तीन दिन, उसके बाद हम एएमटी उठा लेंगे। एएमटी इज वर्थ हाफ एन आवर, आधे एक घंटा लगा दूंगा, बट इट्स नॉट मोर देन वर्थ मोर देन वन आवर। ओके, अमलगमेशंस चैप्टर टू, चैप्टर टू। पेज 144, ब्रोक बॉन्ड अमलगमेट हुई विद हिंदुस्तान लेवल। मैं आपको अमलगमेशन के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं जगह जगह, याद दिलाऊं? अगर डेप्रिसिएबल एसेट ट्रांसफर होता है जो WDV इसके हाथ में थी वो इसको मिल जाएगी। आपने ये भी किया था कि जिस साल अमलगमेशन होती है उस साल डेप्रिसिएशन इसकी इन दोनों में बांट दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट्स वर यूज्ड। आपने ये भी पढ़ा था कि 35D अगर अमलगमेशन हो जाता है तो जो अनअमोर्टाइज 1/5 खर्चे बचे थे इसके हाथ में वो जिस साल में अमलगमेशन होती है उसकी डिडक्शन यहां नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी। 35DDA अमलगमेशन एक्सपेंसेस 1/5 1/5 पांच साल मेला होते हैं। मैंने लिखवाया था आपको कि इसको इनकर करने चाहिए बिकॉज अगर ये करेगी ये तो खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह से टेलीकॉम लाइसेंस डिडक्शन 35ABB ये क्लेम कर रही है इसको ट्रांसफर कर दे लाइसेंस, अब इसको मिलनी शुरू हो जाएगी। ATIB, IC, IE जिस साल में अमलगमेशन होती है डिडक्शन इसको मिलनी शुरू हो जाती है। इसका डेटर है ये राइट ऑफ करता है, बैड डेट की डिडक्शन इसको मिल जाएगी। हमने एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किया था वीरा भद्रा राव, अगर डेटा प्रेडिसेसर का है राइट ऑफ सक्सेसर करता है, एक कंडीशन प्रेडिसेसर ने सेटिस्फाई किया दूसरी सक्सेसर सेटिस्फाई करता है तो डिडक्शन सक्सेसर को मिल जाती है। इसने बैड डेट राइट ऑफ किए थे ये रिकवर कर रहा है, टैक्सेबल नहीं है, पी के कमाल। इसने एक्सपेंस इनकर किए थे ये रिकवरी कर रहा है, 41(1) अमेंड हो गया था, वहां लिखा था कि सक्सेसर के हाथ में टैक्सेबल है। तो मुझे मालूम था आप ये लॉ भूल जाएंगे, तो ये चैप्टर सही बताऊं फालतू का चैप्टर है। ये चैप्टर आई कैन से अराउंड 50% चैप्टर फालतू का है। पेज 146 देखिए, पेज 146 0.4 5 5A 6 7 8 9 10 11 12 13 13 will be doing in capital gains,
पेज 148 पे पॉइंट 13 है, इसे आप कैपिटल गेन्स में करेंगे। सो पेज 148 पे पॉइंट 13 विल ब्रिंग इन कैप गेन्स 14। ये सारा जो पीजीबीपी का लॉ था मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। बताइए प्लीज। पेज 144 पर आइएगा। अमलगमेशन की डेफिनेशन दैट्स गिवन इन सेक्शन 21B। और देखिए मैं ये चैप्टर पिछले 15 साल से करा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं आके दे रहा था। और आप पूछिए अपने दोस्तों से जो पास में बैचेस किए थे, मैं कहता था जब भी चाहेगा एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन दे देगा। और लास्ट टाइम 10 मार्क्स क्वेश्चन कमिंग ऑन दिस। क्या इशू अभी देखेंगे, आज ही शायद कर लेंगे। अमलगमेशन जहां भी एक्ट में लिखी हुई है, इनकम टैक्स एक्ट में जहां भी वर्ड अमलगमेशन लिखा हुआ है, दैट मींस अमलगमेशन एज डिफाइन इन सेक्शन 21B। अमलगमेशन इन रिलेशन टू कंपनीज, यानी जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं वो कब मिलते हैं, जब अमलगमेशन होता है। किसका? कंपनीज का अमलगमेशन होता है। अमलगमेशन इन रिलेशन टू कंपनीज मींस ये कंपनी इसमें अमलगमेट हो रही है, मर्ज हो रही है, ये क्या कहलाएगी? अमल गमेटिंग कंपनी। ये कहलाएगी अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेशन इन रिलेशन टू कंपनीज मींस द मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी। द कंपनी कंपनीज विद सो मर्ज रेफर टू एज द अमलगमेटिंग कंपनी कंपनीज एंड द कंपनी विद विच दे मर्ज और विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर इज नोन एज द अमलगमेटेड कंपनी इन सच अ मैनर दैट। अमलगमेशन तब मानेंगे अगर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड है। वन, ऑल द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स ऑल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, एवरीथिंग। All the property of the amalgamating company or companies immediately before amalgamation becomes the property of the amalgamated company by virtue of amalgamation, यानी 100% asset should be transferred। क्या ऐसी condition है कि asset should be transferred at the book value? No, asset can be transferred at any value। FMV भी transfer कर सकते हैं। नंबर टू क्या है कंडीशन? ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी और कंपनीज इमीडिएटली बिफोर अमलगमेशन बिकम द लाइबिलिटीज ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, यानी 100% एसेट्स एंड 100% लाइबिलिटी शुड बी ट्रांसफर्ड। जो बुक्स में पे अगर उनकी बात करें, करेक्ट। अब पेंडिंग डिस्प्यूट्स भी ट्रांसफर होंगे, वो तो एज कंटिंजेंट लायबिलिटी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जहां मुझे टाइम लगाना होता है मैं लगा दूंगा। ठीक है, अब क्या है, लॉ मेकर्स अमलगमेशन को टैक्स न्यूट्रल करते हैं। वो कहते हैं बिजनेस बिक नहीं रहा, ये तो रीऑर्गेनाइज हो सकते, इट्स अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, इसलिए हम टैक्स नहीं लगाएंगे आपको।
कंडीशन क्या है जिनके पास इस कंपनी के 75% ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स है, दे शुड बिकम द शेयर होल्डर्स हेयर। जो यहां मालिक है वो मालिक बन जाने चाहिए यहां पर। 75% क्यों लेते हैं, मेजॉरिटी हो गई, 74% स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75% चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75% चाहिए होते हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स हुआ होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स, 75% शेयर्स, दे शुड बिकम द शेयर होल्डर्स हेयर। आई थिंक आपके कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 90% है, मुझे पता नहीं शायद यही है, बट हमें अकाउंटिंग से मतलब नहीं, हम इनकम टैक्स से मतलब है। ऑल दो अकाउंटिंग में 90% होगा बट इनकम टैक्स में 75% माना जाता है। क्लॉज 3 पढ़िए ब्रैकेट छोड़कर, क्लॉज 3 पढ़िएगा ब्रैकेट छोड़कर। शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन द अमलगमेटिंग कंपनी और कंपनीज, ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा, बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। यानी जिन शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के 75% शेयर्स हैं, दे शुड बिकम द शेयर होल्डर्स हेयर। यानी यहां जो मालिक थे वो यहां शेयर होल्डर बन गया, क्लियर है। अगर हिंदुस्तान लिवर ब्रूक बॉन्ड के 92% शेयर्स होल्ड कर दिए, फिर प्रैक्टिकली सोचिए प्लीज, प्रैक्टिकली सोचिए लॉ क्या कह रहा है। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 75% ऑफ वैल्यू शेयर्स है, दे शुड बिकम शेयर होल्डर हेयर। अब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी क्योंकि 92% शेयर्स ब्रूक बॉन्ड के हिंदुस्तान लिवर के पास है। हिंदुस्तान लिवर अपने आप को हिंदुस्तान लिवर के शेयर्स थोड़ी अलॉट करेगी। ब्रैकेट पढ़िए, ब्रैकेट पढ़िए, क्या लिखा है। 75% निकालने के लिए क्या एक्सक्लूड कर दीजिए आप, जो शेयर्स अमलगमेटेड कंपनी या उसके नॉमिनीज होल्ड कर रहे हैं इन अमलगमेटिंग कंपनी। मेरे एग्जांपल में जो 92% शेयर्स है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। अब आप 8% का देखिए, 8% का 75%, यानी जिन शेयर होल्डर्स के पास 6% शेयर्स हैं, दे शुड बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द हिंदुस्तान लिवर। शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स, इन द अमलगमेटिंग कंपनी कंपनीज अदर देन शेयर्स हेल्ड देयर इन इमीडिएटली बिफोर अमलगमेशन बाय द अमलगमेटेड कंपनी और इट्स नॉमिनी और इट्स सब्सिडरी शुड बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। इलस्ट्रेशन, ब्रूक बॉन्ड अमलगमेट करती है हिंदुस्तान लिवर में, ब्रूक बॉन्ड इज अमलगमेटिंग कंपनी, हिंद लिवर इज अमलगमेटेड कंपनी। एक्स वाई अमलगमेट होकर एक नई कंपनी बनाती है जेड, एक्स वाई अमलगमेटिंग कंपनी है, जेड इज द अमलगमेटेड कंपनी।
ब्रूक बॉन्ड अमलगमेट होती है हिंदुस्तान लेवर के साथ। हिंदुस्तान लेवर होल्ड करता है 80% शेयर्स ऑफ ब्रूक बॉन्ड एंड 20% शेयर्स आर हेल्ड बाय द पब्लिक। नाउ द कंडीशन 3 ऑफ अमलगमेशन इज सेटिस्फाइड इफ द शेयर होल्डर्स होल्डिंग 75% इन द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग 20% शेयर्स ऑफ ब्रूक बॉन्ड, that is 75% of 20%, that is 15%, becomes the shareholders of the Hindustan Lever if 100% shares are held in Brooke Bond by Hindustan Lever. Phir kya hoga? This condition need not be satisfied. Clear hai? मैंने अभी तक लेटेस्ट जजमेंट सारे कवर कर लिए हैं। सिर्फ 4 लेटेस्ट जजमेंट्स और आए हैं जो मुझे कवर करने हैं, मैंने मॉड्यूल 4 में डाल दिए। एक जजमेंट इस पर है, करा दूंगा आपको। एक जजमेंट अमलगमेशन पे आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, आपको नेक्स्ट वीक करा दूंगा। ऊपर लिखिए द टॉप, the scheme of amalgamation has to be approved by ये वो थोड़ी करेगा हाई कोर्ट। अब लोगों ने हाई कोर्ट के अप्रूवल से बचने के लिए क्या किया? लोगों ने हाई कोर्ट के अप्रूवल से बचने के लिए क्या किया? ए लिमिटेड है, ब्रूक बॉन्ड लिमिटेड है, इसे अमलगमेट होना है हिंदुस्तान लिवर में और हाई कोर्ट स्कीम अप्रूव करेगा। हाई कोर्ट के अप्रूवल से बचने के लिए क्या करते हैं? ये अपनी ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एच को सेल कर देते हैं और फिर अपने आप को लिक्विडेट कर लिया। तो कंपनी हाई कोर्ट के अप्रूवल से बचने के लिए क्या करती है? सारे एसेट्स लायबिलिटीज इसको ट्रांसफर किए, सेल कर दिए, फिर अपने आप को लिक्विडेट कर दिया। कहा जी अमलगमेशन हो गया। यहां सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, सारे शेयरहोल्डर या शेयरहोल्डर बन गए। कंडीशन 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी बट हाई कोर्ट के अप्रूवल से बच गए और अपना मनमानी तरीके से अमलगमेशन कर लिया। दूसरा तरीका, ब्रूक बॉन्ड क्या करती है? एच को अपने सारे एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लिक्विडेशन करके अपना अपने आप को लिक्विडेट करती है और फिर सारे एसेट्स एच को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कहा ये तो अमलगमेशन हो गया, ऑल एसेट्स ट्रांसफर्स, ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, 100% शेयरहोल्डर्स या शेयरहोल्डर्स बन गए। बट बेसिकली हाई कोर्ट के अप्रूवल से बचने के लिए ऐसा किया एंड देयरफॉर लॉ मेकर्स मूव्ड एन अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन। पहली 3 कंडीशन डाली, फिर कहा
अगर ये दो चीज करेंगे तो अमलगमेशन नहीं माना जाए। 2(1)(b) में प्रोविजन आई कि अगर इस तरह से मर्जर करेंगे आप, ये मर्जर तो है, ये मर्जर तो है, बट इसे हम क्या नहीं मानेंगे, अमलगमेशन नहीं मानेंगे। सिंस अमलगमेशन नहीं मानेंगे, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, कैबियस राइज हो जाएंगे ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। सेक्शन 2(1)(b) ऑल्सो प्रोवाइड दैट फॉलोइंग मर्जर्स आर नॉट रिगार्डेड एज अमलगमेशन। क्या बताया मैंने, सारे एसेट्स लाइबिलिटी सेल की फिर लिक्विडेट कर लिया अपने आप को, दूसरा क्या है लिक्विडेट करके एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मर्जर ऑफ वन कंपनी विद अनदर कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी पर्सन टू परचेज ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय अनदर कंपनी, दिस इज टू एक्सक्लूड फ्रॉम अमलगमेशन द केसेस ऑफ द केसेस वेयर अमलगमेशन स्कीम इज नॉट अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट। और कंपनी ए क्या करती है, एसेट सेल कर देती है कंपनी बी को और फिर अपने आप को लिक्विडेट कर देती है। बताइए, टू है, मैंने क्या बताया था कि लिक्विडेट करने के बाद एसेट बांट दिए। मर्जर ऑफ वन कंपनी विद अनदर कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी आफ्टर वाइंडिंग अप द फर्स्ट मेंशन कंपनी, दिस इज टू एक्सक्लूड फ्रॉम अमलगमेशन द केसेस वेयर अमलगमेशन स्कीम इज नॉट अप्रूव बाय द हाई कोर्ट। और कंपनी ए क्या करते हैं, लिक्विडेशन में चली जाती है और एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को, कंपनी बी को। यहां पर आप 100% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तब भी हम अमलगमेशन नहीं मानेंगे। पहले कभी एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, ऑल अमलगमेशंस इन्वॉल्व मर्जर्स, ऑल अमलगमेशंस इन्वॉल्व मर्जर्स, बट ऑल मर्जर्स आर नॉट अमलगमेशन। अमलगमेशन में मर्जर होता होता है, लेकिन सारे मर्जर्स अमलगमेशन नहीं होते। क्लेवरली एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन पूछ गया। बताइए, अमलगमेशन कब नहीं मानेंगे, मर्जर अगर है भी, अगर 100% ऐसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, 100% लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं हो रही, 75% शेयर होल्डर नहीं बन रहे, या फिर ये दो केसेस। तो पेज 156 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, All amalgamations involve mergers, but all mergers will not necessarily result in amalgamation. आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन का चैप्टर कराता हूं। ब्रूक बॉन्ड के पास, ब्रूक बॉन्ड अमलगमेटिव हिंदुस्तान लिवर में, इसके पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख, अमलगमेशन बेच दिया 100 लाख का, इसने खरीदा था 1/1/2007 को, बेच दिए अमलगमेशन स्कीम में 100 लाख का ऑन 1/1/21, ठीक है। सेक्शन 47 बोलेगा कि इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, यानी जो 90 लाख के कैपिटल गेन्स है वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे।
सेक्शन 47 ही बोलेगा, सेक्शन 49(1) बोलेगा, एचयूएल के हाथ में कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। डेप्रिशिएबल एसेट मत सोचिए, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट भी हो सकता है लैंड। तो यहां जो कॉस्ट बनेगी वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। सेक्शन 242 करेंगे होल्डिंग पीरियड, वो कहेगा एचयूएल के हाथ में होल्डिंग पीरियड कब से लेंगे हम, 1107 से। एक कंसेप्ट होता है कैप गेन्स में कि एसेट अगर आपने 1/4/2001 से पहले खरीदा है तो आप एक्चुअल कॉस्ट ले सकते हैं या एफएमवी ले सकते हैं ऑन 1/4/2001 लेट अस से विच इज रुपीज 15 लाख। ये एसेट मैंने 97 में खरीदा था, बताइए एचयूएल के हाथ में कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10 लाख और 15 लाख एट इट्स ऑप्शन। ठीक, पेज 145 टैक्सेशन ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी एट द बॉटम पॉइंट वन, एज पर सेक्शन 47 देयर विल बी नो कैपिटल गेन्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ ट्रांसफर बाय द अमलगमेटिंग टू अमलगमेटेड कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन इफ अमलगमेटेड कंपनी इज इंडियन कंपनी। समझ में आ रहा है, पेज 146 टैक्सेशन ऑफ अमलगमेटेड कंपनी पॉइंट वन में लिखा हुआ है कि अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में कॉस्ट क्या होगी इस एसेट की, जो कॉस्ट थी इन द हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। पॉइंट टू में लिखा है कि अगर अमलगमेटिंग कंपनी ने एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा था तो जो एफएमवी है 1/4/2001 को वो कॉस्ट बन जाएगी इन द हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। थ्री होल्डिंग पीरियड अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में कब से लेंगे, जब से अमलगमेटिंग कंपनी शेयर्स होल्ड कर एसेट्स होल्ड कर रही थी। ठीक, जस्ट 5 more minutes कंप्लीट कर लेते हैं इसे। ब्रूकबॉन्ड इंडिया लिमिटेड में आपके फादर के पास शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, उन्होंने 1/1/2010 को खरीदे थे 100 रुपीज ईच के हिसाब से। ब्रूकबॉन्ड अमलगमेट हो गई हिंदुस्तान लिवर में, ये बहुत डिटेल में करूंगा कैप गेन्स में, इसे पूरे एग्जांपल्स इश्यूज बड़े सारे इश्यूज होते हैं वो सब कराऊंगा कैप गेन्स में। एक गौतम साराभाई ट्रस्ट का केस कराऊंगा, मतलब पूरे इश्यूज करेंगे। ब्रूकबॉन्ड अमलगमेट हो गई हिंदुस्तान लिवर में, हिंदुस्तान लिवर हर 10 शेयर BBIL पर दे रहा है 1 शेयर ऑफ HUL। अमलगमेशन हो रहा है 1/1/21 को, उस दिन HUL का शेयर मार्केट में कोटेड है एट 3000 पर शेयर। आपके फादर शेयर होल्डर है, अब आपके फादर को 100 शेयर मिल जाएंगे किसके, हिंदुस्तान लिवर के, जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 3000 × 100 3 लाख। आपके फादर ने ट्रांसफर कर दिया या नहीं, एक्सचेंज कर दिया,
उन्होंने ब्रूकबोन के शेयर दे के हिंदुस्तान लेवर के शेयर ले लिया, ट्रांसफर हो गया, फादर के हाथ में टैक्स लग जाएगा, सेक्शन 47 एग्जाम कर देता है। सेक्शन 47 कहेगा कि आपके फादर के हाथ में टैक्स नहीं लगाएंगे, हम इस एक्सचेंज को ट्रांसफर मानते हुए भी हम 47 में कैपिटल एग्जाम कर रहे हैं। अब जो आपके फादर को 100 शेयर मिले एचयूएल के, उनकी कॉस्ट क्या होगी आपके फादर के हाथ में, जो इनकी कॉस्ट थी। इन शेयर्स की होल्डिंग पीरियड आपके फादर के हाथ में कब से ली जाएगी, जब से आपके फादर ने ब्रूकबोन के शेयर खरीदे थे। पेज 145 टैक्सेशन ऑफ शेयर होल्डर्स में लिखा हुआ है, वन, कि जब अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं तो ट्रांसफर है, लेकिन हम कैप गेन नहीं लगाएंगे। ये कंडीशन वन एंड टू है, डिटेल में कराऊंगा कैप गेन्स में। नंबर टू, आपके फादर को जो हिंदुस्तान लेवर के शेयर्स मिले उनकी कॉस्ट क्या होगी, जो कॉस्ट थी इन द हैंड्स ऑफ, जो कॉस्ट थी ऑफ द शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। थ्री, हिंदुस्तान लेवर के शेयर्स की होल्डिंग पीरियड कब से ली जाएगी, जब से ब्रूकबोन इंडिया के शेयर्स ओन किए थे। इसकी टेक्निकल लैंग्वेज अगर लगे तो छोड़ दीजिएगा, मैं कराऊंगा प्रॉपरली। टैक्सेशन ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी का पॉइंट टू छोड़ दीजिए अभी, इसे कैप गेन्स में कर लेंगे। है ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का पॉइंट। इनफैक्ट मैं कैपिटल गेन्स में 4 लेक्चर बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन जोड़नी शुरू कर दूंगा। कैप गेन्स के पहले 4 लेक्चर जनरल होंगे, उसके बाद मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन जोड़नी शुरू करूंगा, वहां आपको पॉइंट टू करा दूंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पॉइंट टू हम कर लेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, और बाकी देखिए सारा हमारा हो गया है। बाकी हो गया हमारा, बट अभी एक मेजर इशू बचता है इसमें हमारा। हमने तो पढ़ा था अगर असेसी चेंज हो जाता है, लॉसेस डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, उसका एक्सेप्शन पड़ेगा। यहां पर बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं, कैन वी प्लीज स्टार्ट द क्लास। तो हमने डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन पढ़ी, बाकी सारे इश्यूज आपने कवर कर लिए थे इन द चैप्टर ऑफ पीजीबीपी, मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। कुछ एक इश्यूज जो मैंने कराया भी कैपिटल गेन्स में कवर हो जाएंगे विद एग्जांपल्स, विद लॉट ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। आइएगा प्लीज पेज नंबर 149 पर, सेक्शन 72A, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इनफैक्ट अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे ना, ये सेक्शन 4 पेजेस में रन कर रहा है, ये सेक्शन 4 पेजेस में रन कर रहा है, बट मैं पूरा सेक्शन आपको इस मॉड्यूल में नहीं करा पाऊंगा। जब हम 4th मॉड्यूल करेंगे कैपिटल गेन्स का, वहां फर्म सक्सीडेड बाय कंपनी, प्रोप्राइटरशिप सक्सीडेड बाय कंपनी, बड़े सारे और केसेस में भी 72A लग जाता है। अभी हम सिर्फ अमलगमेशन में डिस्कस कर रहे हैं। याद करिए, मैंने हमेशा आपसे कहा कि लॉस डेप्रिसिएशन तभी कैरी फॉरवर्ड होते हैं अगर असेसी सेम है। अगर असेसी चेंज हो जाता है तो लॉस डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। बट 72A एक एक्सेप्शन है। इनफैक्ट यहां 6 एक्सेप्शन होते हैं। हम 2 एक्सेप्शन तो इसी मॉड्यूल में पढ़ेंगे, बाकी एक्सेप्शंस
मॉड्यूल 4 में पढ़ेंगे। यहां एक्सेप्शन है कि असेसी चेंज भी हो गया है तो भी हम लॉस डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। यह एक्सेप्शन है इन केस ऑफ अमलगमेशन, और सारी अमलगमेशन कवर नहीं है यहां पर, यहां सारी अमलगमेशन कवर नहीं है। अगर डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन भी सेटिस्फाई हो रही है तब भी कवर नहीं है, इसकी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको। तो लॉ कहता है कि अगर अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेट हो जाती है विद द अमलगमेटेड कंपनी, तो इसके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, उसे हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर लॉस बना देंगे अमलगमेटेड कंपनी का इन द ईयर इन विच अमलगमेशन टेक्स प्लेस। एक बड़ा मेजर इंसेंटिव है, देखिए एक बड़ा मेजर इंसेंटिव है कि यहां जो 8 साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं उस सबको सपोज अमलगमेशन हो रही है 31 मार्च 2021 में, आप 31 मार्च 2021 यानी असेसमेंट या 2021-22 का लॉस बना देंगे और अगले 8 साल और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले 8 साल और कैरी फॉरवर्ड हो गया। यानी सपोज असेसमेंट या 16-17 का लॉस है, अगर 72A की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, ये लॉस माना जाएगा प्रीवियस 21 का असेसमेंट या 21-22 का और अगले 8 साल और कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आप, सेम इज डेप्रिसिएशन। ये एक मेजर बेनिफिट दे रहे हैं प्रोवाइडेड अमलगमेशन नेशनल इंटरेस्ट में है। गवर्नमेंट कहती है क्या होता है अगर ये कंपनी लॉसेस में है, ये खत्म हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इसका जो प्लांट मशीनरी है जंक में बिकेगा, स्क्रैप में बिकेगा, इसका जो प्लांट मशीनरी है जो 10 करोड़ का लिया था वो तो लोहे के भाव बिकेगा, स्क्रैप के भाव 1-2 लाख का बिकेगा, कंट्री को लॉस हो रहा है, प्लांट इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी खराब हो रही है मेरी, एंड देयरफॉर कंडीशन लगाई जाएंगी कि हम ये बेनिफिट तभी देंगे अगर अमलगमेटेड कंपनी ये वाला बिजनेस चलाती अगले 5 साल। यानी गवर्नमेंट की कोशिश क्या होगी कि इसी बिजनेस को रिवाइव कराया जाए। ये तो एक पावरफुल कंपनी होगी, ये तो टाटा स्टील जैसी पावरफुल कंपनी होगी जिसके पास पैसा है बहुत, वो तो आज एक नया स्टील प्लांट खड़ा कर सकती है, बट गवर्नमेंट चाहती है एक लॉस मेकिंग स्टील प्लांट है वो टेकअप करिए, टेक ओवर करिए, मर्ज अपने मामले को मेट करिए। फिर गवर्नमेंट कहेगी यही जो बिजनेस है ये कंपनी 5 साल चलाएगी, गवर्नमेंट कहेगी ये जो प्लांट मशीनरी है इसी को यूज करेंगे आप, ऐसा नहीं ऐसा स्क्रैप कर दिया नई प्लांट मशीनरी ले ली, हमारा एम है इस बिजनेस को चलवाना, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट कहेगी यही प्लांट मशीनरी यूज करिए आप। बट गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि हो सकता है कुछ प्लांट मशीनरी यूज करने लायक ही ना हो, इसलिए गवर्नमेंट कहेगी ठीक है 75% कि जो फिक्स एसेट्स हैं उसके 75% आप यूज करेंगे प्रोडक्शन में लेके आएंगे। गवर्नमेंट कहेगी कि आपको यहां जो प्रोडक्शन लेवल था, जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, उसका कम से कम 50% प्रोडक्शन करना पड़ेगा आपको 4th ईयर तक, ऐसी कंडीशंस लगाएंगे। बेसिकली देखिए आज
अमलगमेटिंग कंपनी के पास 100 करोड़ का लॉस है। अगर ये ले रही है इस कंपनी को तो सीधा 100 करोड़ का टैक्स बेनिफिट मिल गया। अगर 25% में टैक्स लगाए 25 करोड़ ये सेव कर गया। एंड गवर्नमेंट कहेगी हम ये बेनिफिट तभी देंगे, ये बिजनेस चलाएंगे आप 5 साल तक चलाते रहेंगे, यही प्लांट मशीनरी यूज करेंगे 75% एंड लाइक दैट द कंडीशंस आर देयर। स्टार्ट करते हैं 72A। प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर एक्सेट्रा। अभी मैं आपको सिर्फ अमलगमेशन करा रहा हूं। वेयर देयर हैज बीन अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी ओनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी अगर सर्विस कंपनी अमलगमेट हो रही है, ट्रेडिंग कंपनी अमलगमेट हो रही है, सेक्शन नहीं मिलेगा। और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सुनिए प्लीज, लिखिएगा मत, डिफाइंड था जो गुड्स आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करती है। लॉ में डेफिनेशन दी हुई है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस एन अंडरटेकिंग विच प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्स प्रोड्यूसेस आर्टिकल्स और थिंग्स। यानी ये बेनिफिट तभी मिलेगा अगर अमलगमेटिंग कंपनी क्या है, इज ओनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और गवर्नमेंट ने देखा कि इस सेक्शन से वाकई में कंपनीज रिवाइव हुई। ये कंपनी रिवाइव हो गई, अमलगमेटेड ने रिवाइव कर दिया, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बच गया, प्लांट मशीनरी स्क्रैप होने से बच गया, एक बिजनेस बंद होने से बच गया, एक प्रोडक्शन बंद होने से रुक गई, वो प्रोडक्शन यहां पर चालू हो गई, एंड देयरफॉर नेशनल इंटरेस्ट है। और इनिशियली इस सेक्शन में सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था और उस समय इन्होंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन को वाइड किया। सुनिए क्या हुआ, जैसे ATIA आया, पावर जनरेशन, छोटी छोटी कंपनीज भी पावर जनरेशन में घुस गई कि हम भी पावर जनरेट करेंगे, ATIA का बेनिफिट लेंगे। बट उनके पास इतना पावर नहीं था, नेटवर्क नहीं था, इसलिए सिक हो गई, लॉसेस में आ गई। अब ये पावर प्लांट बंद किया जाए, उससे बेटर क्या है, अमलगमेट करा दीजिए। एंड देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें ऐड किया गया इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। बड़ी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, एक IIT इंजीनियर है, बहुत अच्छा दिमाग है, सॉफ्टवेयर बनाया उसने, सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग करने शुरू की, अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच दी कि रातों रात रिच बन जाऊंगा, बट कैन नॉट कंपीट विद कंपनीज लाइक इंफोसिस। कंपनीज सिक हो गई, लॉसेस में आ गई। गवर्नमेंट जानती है सॉफ्टवेयर बढ़िया है बट काम नहीं कर पा रहा, इसके पास मार्केटिंग नेटवर्क नहीं है। एंड देयरफॉर इंफोसिस जैसी कंपनी को बोला कि आप इसको अमलगमेट कर लीजिए, एक सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में बिकेगा हमारा। एंड देयरफॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन को वाइड करते चले गए। पेज 150 एट द बॉटम देखिए डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पेज 150 एट द बॉटम डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स एनी अंडरटेकिंग विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। शुरू में सिर्फ इतना लिखा था बट इस सेक्शन की सक्सेस के बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन वाइड कर दी। नंबर 2 ऐड किया क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैंने एग्जांपल दिया आपको। 3 बिजनेस ऑफ जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर फॉर्म ऑफ पावर।
बड़े सारे लोग जब टेलीकॉम बिजनेस आया था इंडिया में, आपने शायद सुना नहीं होगा, एक कंपनी थी ऑरेंज, मुंबई में चलती थी ऑरेंज स्पाइस। तो इंडिया में भी इस तरह के लोगों ने टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, बट उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोन्स लेके इन्वेस्टमेंट की, लॉसेस में आ गए। अब इन बिजनेस को बंद करना यूजफुल नहीं है, एंड देयरफॉर द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वेदर बेसिक सेलुलर, बेसिक होता है लैंडलाइन, सेलुलर होता है मोबाइल, इंक्लूडिंग रेडियो पेजिंग, डोमेस्टिक सैटेलाइट सर्विसेज, नेटवर्क ऑफ ट्रंकिंग, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल टेकिंग एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट, रेल सिस्टम, ये सब इसमें ऐड किया गया। सो जो अमलगमेटिंग कंपनी है दैट शुड बी ओनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स जो गुड्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, जो टेलीकॉम बिजनेस कर रही है, जो माइनिंग का काम कर रही है, जो शिप एयरक्राफ्ट रेल्स बना रही है, रेल सिस्टम। इस सेक्शन की सक्सेस हुई और फिर क्या हुआ, बड़े सारे होटल्स खुलने शुरू हो गए थे। होटल्स वर नॉट एबल टू कंपीट विद ताज ग्रुप, ओबराय ग्रुप, एंड देयरफॉर ये होटल्स लॉसेस में आ गए। गवर्नमेंट चाहती थी होटल बंद ना हो, क्योंकि टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट आता है, उसे होटल की जरूरत होती है, एंड देयरफॉर यह होटल ऐड किया गया, होटल ऐड किया गया। बड़ी सारी शिपिंग कंपनीज थी जो लॉसेस में आ गई थी, बिकॉज दे वर कंपीटिंग विद द फॉरेन कंपनीज, एंड देयरफॉर एक नाम सुना है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, बड़ी फेमस कंपनी है, एक बड़ी फेमस कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है शिपिंग कंपनी, ग्रेट इंडिया ईस्टर्न कंपनी है शायद, ग्रेट इंडिया ईस्टर्न कंपनी, उसने जितनी छोटी छोटी कंपनी थी जो लॉस में आ गई थी उनको अपने में अमलगमेट कर लिया। क्यों अमलगमेट कर लिया? उसके बाद एक एक शिप आ गया सबका और बड़ा सारा फ्लीट रन करने लगा और वो आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग कंपनी बन गई। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओनिंग अ शिप होटल विद अनदर कंपनी। सो जहां अमलगमेशन हो रहा है, एक अमलगमेटिंग कंपनी का जो ओन कर रही है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होटल और अ शिप विद अनदर कंपनी, और अमलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विद अ स्पेसिफाइड बैंक। गवर्नमेंट चाहती है कि जो छोटे मोटे प्राइवेट बैंक हैं वो नेशनलाइज बैंक में मर्ज हो जाए, एंड देयरफॉर बैंकिंग कंपनी मींस एनी बैंकिंग कंपनी, इट कुड बी प्राइवेट आल्सो, इट वुड बी प्राइवेट बैंकिंग कंपनी आल्सो विद अ स्पेसिफाइड बैंक। स्पेसिफाइड बैंक मींस नेशनलाइज बैंक। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज 151, स्पेसिफाइड बैंक इंक्लूड्स ऑल बैंक्स इन इंडिया एक्सेप्ट नॉन नेशनलाइज प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। यानी सारे नेशनलाइज बैंक आ गए, यानी बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आप अपने बैंक को अमलगमेट कर लेते हैं विद नेशनलाइज बैंक, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक है आज लॉसेस में आ गया है, यस बैंक है लॉसेस में आ गया है, अगर ये अपने आप को अमलगमेट कर लेता विद द पीएनबी, विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यस बैंक के लॉसेस पीएनबी एसबीआई को मिल जाएंगे। कोई खतरा है नहीं, बिकॉज ये जो पीएनबी एसबीआई है मेजरली कंट्रोल विद द गवर्नमेंट है। क्लियर हो रहा है? विजय माल्या, विजय माल्या तो अब बैंकरप्ट हुआ, बट पहले बहुत प्रॉफिटेबल था ये। इसकी एक एयरलाइन चलती थी किंगफिशर,
ह्यूज प्रॉफिट। एक कैप्टन गोपीनाथ हुआ करते थे, नाम सुनाओ शायद आपने, बड़ा फेमस हुआ था ये। कैप्टन गोपीनाथ की थी डेक्कन एयरलाइंस, ये हिल स्टेशंस पर एयरलाइन चलाती थी, शिमला वगैरह, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट थे, हिल्स पे जाते थे, बट लॉसेस में आ गई थी। विजय माल्या ने ये कंपनी खरीदी थी और फिर विजय, यहां पर बड़े जबरदस्त लॉसेस थे, यहां प्रॉफिट थे, विजय माल्या इसको इस पर अमलगमेट करना चाह रहा था, बट अमलगमेट नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया? या 1000 करोड़ के लॉसेस थे, उसने अमलगमेट क्यों नहीं किया? पढ़िए ना, अमलगमेटिंग कंपनी ओनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ना सॉफ्टवेयर बना रही है, ना इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, ना एयरक्राफ्ट बना रही है, ना माइनिंग कर रही है, ना ही बैंक विद स्पेसिफिक बैंक मर्जर है। इसलिए विजय माल्या ने मर्जर नहीं किया था। बट आपको शायद मालूम हो, एक इंडियन एयरलाइंस होती थी जो अमलगमेट की गई थी विद एयर इंडिया, जबरदस्त लॉसेस थे, अब तो ये भी लॉसेस में आ गई। बट एक जमाना था जब ये ह्यूज लॉसेस में थी, ये प्रॉफिट में थी, बेसिकली ये इंटरनेशनल फ्लाइट चलाती थी, ये नेशनल फ्लाइट चलाती थी, ये इसमें मर्ज की गई थी, यहां अराउंड 20,000 करोड़ के लॉसेस थे, गवर्नमेंट चाहती थी ये लॉसेस इसको मिल जाए। अभी तक जो पढ़ा उसमें कवर नहीं हो रहा, आप पढ़िएगा जो डिलीटेड वर्ड्स हैं उसके साथ पढ़िएगा। वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विद वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज इन सिमिलर बिजनेस। तो बेसिकली इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में जब अमलगमेशन हुआ था उसके लिए लेके आए थे। सो जो डेकन और ये किंगफिशर है वो इसमें कवर नहीं था, अभी भी नहीं है। यहां फाइनेंस एक्ट 21 ने अमेंडमेंट की है, यहां इन्होंने कर दिया कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी से मर्ज होती है, अमलगमेट होती है, तो ये सेक्शन लगेगा। सो फाइनेंस एक्ट 21 ने, सो आप देख रहे हैं मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, उनको ठीक करेंगे। तो अब कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी में अमलगमेट होती है तो ये सेक्शन 72A लग जाएगा। तो देखिएगा, अगर कोई अमलगमेशन होता है कंपनी का जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन कर रही है, शिप ओन कर रही है, होटल ओन कर रही है दूसरी कंपनी के साथ, या फिर बैंक अमलगमेट होता है विद अ नेशनलाइज्ड बैंक, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी अमलगमेट होती है विद अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी, देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन दिस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट द एक्युमुलेटेड लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी, यह बन जाएगा लॉस डेप्रिसिएशन ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमलगमेशन टेक्स प्लेस शैल बी डीम्ड विद अ लॉस करंट ए लॉस depreciation of the amalgamated company for the previous year in which amalgamation was effected or set off carry forward accordingly. Yani losses jo hain unko fresh life mil jayegi 8 years ki, clear hai? Amalgamating company, amalgamated company ko ye conditions satisfy karni padti hain, conditions notwithstanding the above the accumulated loss unabsorbed depreciation shall not be set off or carried forward in the hands of the amalgamated company unless ye conditions fulfill karni hai aapne. Pehli condition hai amalgamating company. Amalgamating company has been engaged in the business
In which the accumulated loss occurred or depreciation remains unabsorbed for 3 or more years. यानी amalgamating company है वो business में है for 3 or more years जिसमें उसके losses और depreciation आ रहा है. बताइए, यानी ऐसा नहीं है कि आज आपने कंपनी बनाई अगले साल amalgamate करने पहुंच गए. मतलब 3 साल या उससे ज्यादा लॉसेस आ रहे हैं. ठीक है, नंबर टू. अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि अमलगमेटिंग कंपनी के लॉ कहेगा कि अमलगमेटेड कंपनी क्या करेगी, 75% ऑफ फिक्स एसेट्स यूज करेगी. आप देखिए क्या चालाकी हो सकती है. अमलगमेशन हो रहा है 1/4 20 को. ये इसको बोलती, इसके पास 100 करोड़ के एसेट्स है. ये इसको बोलती है काम कर 99 करोड़ के एसेट बेच दे, मार्केट में बेच दे. हमारे पास तो 1 ही करोड़ का एसेट आएगा. हमें उसका 75% सिर्फ 75 लेके एसेट यूज करने पड़ेंगे. इंटेंशन ऑफ लॉ डिफीट कर गए एंड देयरफॉर इन्होंने इस पे कंडीशन लगाई. इस पे कंडीशन लगाई, क्या कंडीशन लगाई कि अमलगमेटिंग कंपनी हैज हेल्ड कंटिन्यूअसली On the date of amalgamation, at least 75% of the book value of the fixed assets. पहले इन्होंने यहां assets लिखा था, बाद में fixed asset लिखा इन्होंने. जब इन्होंने asset लिखा था, बताइए क्या दिक्कतें आई होंगी. फिर तो stock and trade भी नहीं बेच सकती हैं. Debtors भी मेरे assets होते हैं. एंड देयरफॉर इन्होंने एसेट की जगह फिक्स्ड एसेट लिखा. क्या है जो अमलगमेटिंग कंपनी के पास 2 साल पहले फिक्स एसेट थे, 2 साल पहले उसके 75% ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट कंटिन्यूअसली होने चाहिए अप टू द डेट ऑफ अमलगमेशन. सॉफ्टवेयर कंपनी में वो होंगे लैपटॉप्स वगैरह. हैज हेल्ड कंटिन्यूअसली ऑन द डेट ऑफ अमल, ये अमलगमेटिंग कंपनी के लिए कंडीशन पड़ रहा हैज हेल्ड कंटिन्यूअसली एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन एटलीस्ट 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स हेल्ड बाय इट 2 ईयर्स प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन. आप कंडीशंस हैं अमलगमेटेड कंपनी के लिए. क्या क्या बताई थी मैंने आपको, 5 साल तक बिजनेस चलाएंगे, जो फिक्स एसेट आए उसका 75% यूज करेंगे आप. अमलगमेटेड कंपनी होल्ड्स कंटिन्यूअसली फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन एटलीस्ट 75% in the book value of fixed assets of the amalgamating company acquired in the scheme of amalgamation. तो जो amalgamation में assets मिले fixed assets उसका 75% आप retain करेंगे 5 साल तक from the date of amalgamation. Continues the business of the amalgamating company for a minimum period of 5 years from the date of amalgamation. And fulfill such other conditions as may be prescribed to ensure that revival of the business of the amalgamating company or to ensure that amalgamation genuine business purpose के लिए national interest में इसकी condition भी करते ही वाली. और ये जो third condition है it's only for industrial undertaking. जो third condition होगी वो हम देखेंगे, it's only for industrial undertaking. अभी पढ़ते हैं. हाँ,
आप अपने नए एसेट बाय कर सकते हैं इस यूनिट के लिए, बट जो एसेट आपने एक्वायर किया था अमलगमेटिंग कंपनी से वो 75% नहीं सेल करेंगे आप। आ चाहिए पेज 151, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय द अमलगमेटिंग कंपनी। द अमलगमेटिंग कंपनी शुड हैव बीन एंगेज इन द बिजनेस इन विच एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकर्ड, डेप्रिसिएशन रिमेन अनऑब्जॉर्व फॉर 3 years और मोर प्रायर टू द रेट ऑफ अमलगमेशन। देयरफॉर इफ अमलगमेशन हैज टेकन प्लेस ऑन 1/7/20, देन अमलगमेटिंग कंपनी शुड हैव स्टार्टेड द बिजनेस इन विच लॉसेस अकर्ड, डेप्रिसिएशन रिमेन अनऑब्जॉर्व ऑन और बिफोर 1/7/17। नंबर टू, द अमलगमेटिंग कंपनी शुड होल्ड एटलीस्ट 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच इट हेल्ड 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन। सपोज अमलगमेशन टुक प्लेस ऑन 1/7/20, तो क्या देखेंगे हम 75% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन 1/7/18 मस्ट बी हेल्ड ऑन 1/7/20। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम में शायद नहीं आना चाहिए, बट मैंने एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल लिया हुआ है। फ्रेंकली मैं फंस गया था वहां पर, मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा था। सो आई वॉज वर्किंग फॉर अ पर्सन जो अमलगमेशन में एक्सपर्ट था, उसने मुझे समझाया कैसे लॉ इंटरप्रेट होता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। अब क्या है, 1/7/18 को एसेट से ABCDE 200 लाख के 2 साल पहले, और अब एसेट जो बचे हैं 1/7/20 को उनके बुक वैल्यू है ये BCDE बचे हैं, तो 75% कंडीशन मीट हो रही है या नहीं? नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। मैंने भी यही किया था, मैंने यही गलती की थी, मैंने कहा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो जिसके लिए मैं काम कर रहा था वो कहता है एक काम करिए, एक बात बताइए, आपके पास 1/7/18 को एसेट्स हैं ABCDE 100 100 100 100 100 500, 1/7/20 को इसकी डेप्रिसिएशन लगे 60 60 60 60 60 वैल्यू रह गई 300। जो आप जो कह रहे हैं इसका 75% देख रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यहां तो 100% एसेट्स हैं यहां पर, तब मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई। ही सर ऐसे कंपेयर नहीं करते हम प्रैक्टिकली, हम क्या करते हैं, ये हमारा बेसिस है। सो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं गलती खुद कर चुका हूं। सो आई थॉट इट प्रॉपर टू टेल यू पीपल, मे बी यू गो इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन सम टाइम, मे बी ऑफ सम हेल्प। तो अब मेरा ये बेसिस है, अब क्या है, क्या करिए, एसेट ABCDE, BCDE है मेरे पास, कितनी वैल्यू है 40 20 30 60, ये हो गया 150, यानी 150 के एसेट्स यहां पर हैं आपके पास। देयरफॉर 75% कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दिस बुक वैल्यू इज ऑफ नो रेलेवेंस। होप यू अंडरस्टूड। सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड सिंस एसेट्स BCDE कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑन 1/7/18 and are being held on 1/7/20, what has to be seen is that the fixed assets which constitute 75% of book value of fixed assets on 1/7/18 should continue to remain in existence on 1/7/20. The book value on 1/7/20 is of no relevance. Clear? Conditions to be satisfied by the amalgamated company. The amalgamated company should continue the business of the amalgamating company for a minimum period of 5 years from the date of amalgamation. The amalgamated company should fulfill the prescribed conditions in case
अभी प्रिस्क्राइब कंडीशंस पढ़ेंगे वो किसके लिए हैं? इन केस वेयर देयर इज अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी विच इज ओनिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अभी हम पढ़ेंगे कि आपको 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की प्रोडक्शन अचीव करनी है चौथे साल तक, ऐसी कंडीशन पड़ेंगे, बट दैट्स ओनली इफ व्हाट इज अमलगमेटेड इज द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तीसरी कंडीशन है द अमलगमेटेड कंपनी शुड होल्ड एटलीस्ट कॉन्टिन्यूअसली फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन एटलीस्ट 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी एक्वायर्ड इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां भी मैं गलती कर गया था, अमलगमेशन टेक्स प्लेस ऑन 1/4/20 एंड द अमलगमेटिंग कंपनी ट्रांसफर्स द फॉलोइंग टू द अमलगमेटेड कंपनी, ये बुक वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी ऑन 1/4/20 और इसने ट्रांसफर इस प्राइस पे किया है। अब 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट शुड बी रिटेन बाय द अमलगमेटेड कंपनी फॉर 5 years। क्या वैल्यू लो, ये या ये? मुझे डाउट था। दैट जेंटलमैन एक्सप्लेन मी, ही सेड देखिए अगर मैं पी जो एसेट है 4,000 lakh का ट्रांसफर कर देता, कैब गेन एग्जेम्प्ट? कैब गेन एग्जेम्प्ट? फिर तो अगर मैं यही एसेट रिटेन कर लूंगा, कंडीशन फुलफिल हो गई। और जब प्रैक्टिस में जाते हैं यू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो ही सेड दिस इज ऑफ नो रेलेवेंस, व्हाट इज रेलेवेंट इज द बुक वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी। 300 lakh का 75% क्या होता है? 225। तो अगर मैं ये एसेट बेच देता हूं तो क्या होगा? वॉयलेशन हो गई। तो इतना डिटेल में आएगा नहीं आपको, बट सिंस प्रैक्टिस में ऐसा ही होता है, दिस मे बी ऑफ यूज इन फ्यूचर टू यू। एक मिनट, पहले से कंप्लीट कर ले। Now, what has to be seen is that fixed assets as on 1/4/20, which constitutes 75% of the book value of fixed assets on 1/4/20 in the hands of amalgamating company, that is assets constituting 75% of 300 lakh, should continue to be held by the amalgamated company up to 5 years, that is 31st March 25. The subsequent year book values, ya phir jis mein aap transfer kar rahe hain, that is of no relevance. Your question, please. नहीं, ये एसेट आप सारे सेल नहीं कर सकते ना। लॉ कहता है जो आपको फिक्स एसेट्स मिले हैं उसका 75% आप रखेंगे अपने बस 5 साल। अच्छा, एक मिनट सॉरी, अब आप बात करें अमलगमेटिंग कंपनी की। अमलगमेटिंग कंपनी क्या कह रहे हैं, क्या करती है? एक ये कह रहे हैं अमलगमेटिंग क्या कंपनी क्या करती है, जो 2 साल पहले एसेट थे 200 लाख के, उनको बेचकर अमलगमेशन से एक दिन पहले 150 लाख का नया एसेट खरीद देती है। अगर आप लॉ पढ़े, लॉ क्या कह रहा है? कंपनी शुड होल्ड एटलीस्ट 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच इट हेल्ड 2 years prior to the date of amalgamation। देखिए प्रैक्टिकली क्या होगा, अमलगमेटिंग कंपनी तो लॉसेस में होगी, उसके तो एसेट कबाड़ी के भाव बिकेंगे,
एंड देयरफॉर गवर्नमेंट हैज नॉट थॉट ऑफ सच टैक्स प्लानिंग्स, डीप टैक्स प्लानिंग्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर है यहां तक? अब ये भी लिखा है कि प्रिस्क्राइब कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, बट दैट प्रिस्क्राइब कंडीशंस इज ओनली फॉर अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अमलगमेट हो रही है। तो लॉ कहेगा कि जो आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अमलगमेट किया है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मान लीजिए 100 टन है, उसका 50% हुआ 50 टन, आपको 50 टन की प्रोडक्शन लेवल अचीव करनी पड़ेगी 4 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन। 4 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन 50% एटलीस्ट 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का प्रोडक्शन लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रोडक्शन लाके बंद कर दिया आपने, उस प्रोडक्शन को आपको मेंटेन करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मशीनरी बिल्कुल जंक थी, जो आपने अमलगमेटिंग कंपनी की मशीनरी बिल्कुल ही कबाड़ थी, जंग थी, अमलगमेटेड कंपनी ने जान लगा ली, 50% कैपेसिटी अचीव नहीं हो रही, तो उस केस में अमलगमेटेड कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकती है, मींस प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इस कंडीशन को रिलैक्स कर दे, या तो टाइम बढ़ाता है हमारा, टाइम इंक्रीज कर दे, या फिर जो 50% लेवल अचीव करना है उसे रिलैक्स कर, 25% 30% कर दे। और जिस साल में आप ये प्रोडक्शन लेवल अचीव कर लेंगे उस साल के रिटर्न ऑफ इनकम के साथ आपको सीए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जहां ये सब वर्किंग्स देनी पड़ेगी, हमने अचीव कर ली प्रोडक्शन। प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर अमलगमेटेड कंपनी, द अमलगमेटेड कंपनी ओनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी बाय वे ऑफ अमलगमेशन शैल अचीव द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द सेट अंडरटेकिंग बिफोर द एंड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन एंड कंटिन्यू टू मेंटेन द सेट मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन टिल द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन। However, the central government, on an application made by the amalgamated company, may relax the condition of achieving the level of production or the period during which the same is to be achieved, or both, in suitable cases, having regard to the genuine efforts made by the amalgamated company to attain the prescribed level of production and the circumstances preventing such efforts from achieving the production. जो मैंने बताया था वही है। The amalgamated company shall furnish to the AO a certificate in prescribed form, duly verified by a CA with reference to the books of accounts and other documents showing surplus of production. So CA certify karega production level, aur kis saal mein return mein file karenge aap, along with the return of income for the assessment year relevant to the previous year during which the prescribed level of production is achieved, and for subsequent assessment years relevant to the previous years falling within 5 years from the date of amalgamation. Installed capacity तो government records के हिसाब से होती है। आज क्या होता है, मुझे electricity connection चाहिए, आपके जो घरों में electricity connection होता है 1-2 kilowatt का होता है, मेरे इस ऑफिस में 75 किलोवाट्स का है बिकॉज 50 एसी चलते हैं। अगर आप किसी बड़े फैक्ट्री में जाएंगे वहां तो 200 केवी का मीटर होगा। सो बिजली कंपनी आपको मीटर देती है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, फैक्ट्रीज एक्ट में होता है। तो देखेंगे जो आप यहां क्लास में पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको ये। कंडीशन का कंडीशन वो
वॉयलेट अभी करते हैं लॉ में दिया हुआ है। सो इनका क्वेश्चन है कि अगर कंडीशन वॉयलेट होगी तो क्या होगा, अभी सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ लॉ में है। देखिए क्या होता है, जब अमलगमेशन की स्कीम गवर्नमेंट के हाईकोर्ट पर जाती है तो अमलगमेटेड अकाउंट्स अलग रखती है, बट एक कंसोलिडेशन भी बनाती रहती है। अच्छा, हमने कहा कि अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस के एक्यूमुलेटेड लॉसेस बन जाएंगे करंट या लॉसेस ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। कौन से एक्यूमुलेटेड लॉसेस? पीजीबीपी, कैप गेन्स और ऑल लॉसेस? इट्स ओनली पीजीबीपी, और उसमें भी स्पेकुलेशन लॉस कवर्ड नहीं है, ओनली पीजीपी। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस तो कवर्ड है, सिर्फ पीजीबीपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरी बात, अमलगमेटिंग कंपनी के कितने साल के लॉसेस मिलेंगे अमलगमेटेड कंपनी को, यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेस में कितने लॉसेस आएंगे? 10 साल, 8 साल, 9 साल? क्या लॉ कहेगा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस मींस दोज लॉसेस जो अमलगमेटिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी अगर अमलगमेशन ना हुआ होता। लॉ कहेगा accumulated losses means वो losses जो amalgamating company carry forward कर सकती थी अगर amalgamation ना हुआ होता। अभी देख लेते, example के थ्रू करूंगा, अभी थ्योरी कर रहा हूं, प्रैक्टिकल कराऊंगा। accumulated losses means so much of the loss of the amalgamating company under the head profits and gains of business profession not being loss sustained in speculation business which the amalgamating company would have been entitled to carry forward set off under the provisions of section 72 if amalgamation has not taken place. Pata hai, depreciation bhi amalgamated company ko mil jayega. Amalgamated company us depreciation ko kitne saal carry forward kar sakti hai? इनडेफिनेट। वन पर स्टार लगाइए। द लॉसेस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी under the head capital gains income from house property aur kaun se other source ka loss to carry forward hota hi nahi hai, salary to ho hi nahi sakta, activity of owning and maintaining resources speculation loss. अंडर द हेड मत करिए, अंडर लिख दीजिए, अंडर कैप गेन्स। अंडर द हेड मिसलीडिंग हो रहा है बिकॉज एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग इज नॉट अ हेड, स्पेकुलेशन लॉस इज नॉट अ हेड। शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड बाय
अमलगमेटेड कंपनी, क्या अमलगमेटिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? वो तो खत्म हो गई। सच लॉसेस शैल लैप्स। आप देखेंगे एग्जामिनर ने यहीं इस पर क्वेश्चन दिया आपको, कैप गेन्स का लॉस है, पीजीपी लॉस है, स्पेकुलेशन लॉस है। पेज 153, सपोज अमलगमेशन टेक प्लेस ऑन 1/420, अमलगमेटिंग कंपनी हैज फॉलिंग ब्रॉड फॉर लॉसेस इन असेसमेंट ईयर 2021। ये लॉसेस है। अमलगमेशन कब हुआ है? 1/420 यानी असेसमेंट ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं? वो लॉसेस जो अमलगमेटिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी अगर अमलगमेशन ना होता। असेसमेंट 12/13 कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी या नहीं? फिंगर्स पे गिनिए। अगले 8 साल लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। 12/13 मींस 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21। ये तो 2021 तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। ये एक्यूमुलेटेड लॉस का पार्ट नहीं बनेगा। 13/14 ये हो जाएगा, क्योंकि 13/14 अगले 8 साल, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, तो ये सारे लॉसेस द अमलगमेटिंग कंपनी हैज आल्सो इनकर्ड अ लॉस ऑफ 9 लेकिन असेसमेंट इन 2021। तो हो गया 2, 3, 5, 4, 9, 14, 20, 27, 35 एंड 9, 44 क्या हो जाएगा? 44 लाख का लॉस बन जाएगा, लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22, एंड दिस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। क्लियर? चंद्रहस, योर क्वेश्चन। सो दिस इज क्लियर। चंद्रहस का क्वेश्चन था कि अगर वॉयलेशन होती है, कौन सी वॉयलेशन होती है, कौन वॉयलेशन करता है, अमलगमेटिंग या अमलगमेटेड? अमलगमेटेड 5 साल से पहले बिजनेस बंद कर देती है, 75% ऑफ द एसेट बेच देती है, मतलब उतने तक एसेट रिटेन नहीं करती, तो क्या होगा? लॉ कहेगा जिस साल में वॉयलेशन हुई, जितने लॉसेस आप यूज कर चुके हैं हम आपकी इनकम बना देंगे, और जितने लॉसेस बने हैं, बचे हैं, उसे लैप्स करा देंगे। देखिएगा, ऑन पेज 151 पेज 152 पेज सॉरी 150 सॉरी दैट मीन्स आई एम टायर्ड नाउ। पेज 150 एट द बॉटम देखिए 72A सबसेक्शन 3, इन केस वेयर एनी ऑफ द अबव कंडीशंस आर नॉट कंप्लाइड विद, तो क्या होगा? द सेटअप ऑफ लॉस
or allowance of depreciation made in any previous year in the hands of amalgamated company shall be deemed to be the income of the amalgamated company chargeable to tax in the year in which the conditions are not satisfied. Page 153 at the top example dekhiye. 153 at the top example dekhiye. Amalgamation hui 1/420 ko. Amalgamating company ke losses hain, business loss, depreciation, condition satisfied hain, loss of 5 lakh, depreciation of 6 lakhs is deemed as loss depreciation of previous year 21, that is assessment year 21-22, और इसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लॉसेस को इंडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. सपोज अमलगमेटेड कंपनी हैज सेट ऑफ ब्रॉट फॉर लॉसेज ऑफ 4 लाख इन असेसमेंट 2023. नाउ लेट अस से एक अमलगमेटेड कंपनी डिसकंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी इन प्रीवियस 23. अब क्या होगा, 4 लाख इनकम बन जाएगी ऑफ अमलगमेटेड कंपनी इन असेसमेंट 23-24 और जो बैलेंस लॉस डेप्रिसिएशन है उसे हम लैप्स करा देंगे. देखिए शायद कंप्लीट हो गया मेरा चैप्टर. ये इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है उनको करिएगा. क्वेश्चन 3 इज क्वाइट गुड. क्वेश्चन 3 इज क्वाइट गुड. जाते जाते एक अमेंडमेंट कर जाते हैं इन सेक्शन 72A बाय फाइनेंस एक्ट 2021. आपने सुना एयर इंडिया हैज बीन सोल्ड टू टाटास. अब एयर इंडिया के लॉसेस टाटास को मिल जाएं, इसके लिए सेक्शन 72A अमेंड किया गया. प्रोविजंस पेज 155A, वोंट टेक मच टाइम, 15 मिनट्स ओनली. पेज 155A, अमेंडमेंट मेड इन सेक्शन 72A बाय द फाइनेंस एक्ट 21. फॉलोइंग क्लॉज provisional expression has added erstwhile where there is amalgamation of erstwhile public sector company Air India with one or more company or companies Tata's if the share purchase agreement entered into under the strategic disinvestment restricted immediate amalgamation of the said public sector company. तो जो स्ट्रेटेजिक सेल एग्रीमेंट हुआ है विद गवर्नमेंट उसमें ये प्रोवाइडेड है कि एयर इंडिया टाटास में इमीडिएटली अमलगमेट नहीं होगी. एंड अमलगमेशन इज कैरिड आउट विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिस्ट्रिक्शन ऑन अमलगमेशन इन शेयर परचेज एग्रीमेंट एंड्स. तो गवर्नमेंट चाहती है कि एयर इंडिया को टाटा से सवारे, सवारे मतलब ठीक करे, उसके बाद अमलगमेट करें. तो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में लिखा है कि एयर इंडिया कैन नॉट बी इमीडिएटली अमलगमेटेड, आफ्टर 2 years विल बी अमलगमेटेड. और शेयर परचेज एग्रीमेंट जब कहता है ये रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी अमलगमेशन की, उसके एंड से 5 साल के अंदर आप अमलगमेट करेंगे. देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द एक्यूमुलेटेड लॉस डेप्रिसिएशन of Air India amalgamating company will be deemed as loss depreciation of the Tata company amalgamated company for the previous year in which amalgamation was effected and other provisions of the act will apply for set off and carry forward. Ek restriction laga diya apan. Restriction kya hai? Provided that accumulated loss, unobserved depreciation of the amalgamating company in case of amalgamation, referred in clause D which is redeemed with a loss, depreciation of the amalgamated company shall not be more than the accumulated loss, unobserved depreciation of the public sector company on the date on which the public sector company ceases to be a public sector company as a result of the strategic disinvestment. तो जो लॉसेस डेप्रिसिएशन थे आपके ऑन द डेट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल वही आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी टाटा कंपनी, उसके बाद के लॉसेस अगर हुए हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी.
erstwhile public sector company means a company which was a public sector company in earlier previous years and now ceases to be public sector company because of strategic disinvestment. Strategic disinvestment means the sale of shareholding by the central government or any state government in public sector company which results in reduction of shareholding to below 51% along with the transfer of control to the buyer. For example, Government of India made strategic sale of shares of Air India Limited to Tata Sons Limited on 1st April 21. Air India is a public sector company in which Government of India holds 100% shares. Now, section dekhiye kya kahe. The strategic disinvestment restrict amalgamation of Air India with Tata Sons till 31st March 23. Immediate amalgamation nahi hone de rahe. Air India is amalgamated with Tata Sons on 1/4/23. Within 5 years ho gaya. Air India has accumulated losses depreciation of 90,000 crores as on 1/4/21. Its accumulated losses depreciation on 1/4/23 is 1,08,000 crores. 90,000 crores carry forward karke paayegi Tata Sons after amalgamation. Now, conditions of amended section 72 are fulfilled as there is a sale of shares of public sector company under the strategic disinvestment plan of Government of India. In the share purchase agreement, it is mentioned that public sector company cannot be amalgamated till 31st March 23. The accumulated loss depreciation of public sector company on the date on which it ceases to be public sector company, that is 1/4/21, is 90,000 crores. Amalgamation is effected within 5 years from the end of the previous year, 31st March 22. Losses depreciation of 90,000 crores will become losses depreciation of Tata Sons with effect from assessment year 2024-25. Ek aur amendment hai. Hum karenge ek section 79 hota hai. जहां अगर 51% शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते. इन्होंने लिखा फाइनेंस एक्ट, एक प्रेस नोट निकाला, ने सेक्शन 72A अमेंड कर दिया जहां स्ट्रेटेजिक सेल में लॉसेस अलाउ कर दिए जाएंगे. सेकंड पैरा इंपॉर्टेंट मार्क करिए. In order to facilitate the strategic disinvestment, it has been decided that Section 79 of the Income Tax Act will not apply to an erstwhile public sector company which has become so as a result of strategic disinvestment. Accordingly, loss incurred in any previous year prior to and including the previous year of strategic disinvestment shall be carried forward instead of by the erstwhile public sector company. The above relaxations have ceased to apply from the previous year in which the company that was the ultimate holding company of the ye kar lenge jab section 79 karunga tab ye kara dunga aapko. Theek hai, chaliye, we'll stop here.